नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए सेकंड ईयर के फर्स्ट सेम की सब्जेक्ट ESDM। आज इस सब्जेक्ट के अपन पेपर सॉल्यूशन और इसका एनालिसिस के बारे में चर्चा करेंगे। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हर जो सब्जेक्ट की जो क्लास आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। तो साथियों, आज की अपनी जो सब्जेक्ट थी वो थी ESDM, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डाइस्टर मैनेजमेंट। ESDM जो 211 सब्जेक्ट है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने जो पेपर्स में जो डेफिनेशंस आती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बारे में चर्चा करने से पहले इस सब्जेक्ट के बारे में देख लेना चाहते हैं कि इस सब्जेक्ट में अपने को पढ़ना क्या है। साथियों, इस सब्जेक्ट में अपने को पढ़ना है जो एनवायरमेंट है, जो अपना एनवायरमेंट है इसके बारे में पढ़ना है, और इसमें जो भी आपदाएं आती है, जो भी आपदाएं जिसे भूकंप मान लो, बाढ़ मान लो, और जो भी अपनी प्रकृति है, प्रकृति को क्या नुकसान होता है, प्रदूषण क्या होता है और प्रदूषण के विभिन्न रूप क्या है, इन सभी के बारे में अपन क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट में चर्चा करेंगे। और ये सब्जेक्ट ऐसी है कि आपको ऐसे नहीं है कि जो सिलेबस में दे रखा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, जैसे कंपोनेंट दे रखे हैं किसी चीज़ के तो कंपोनेंट ही पूछे, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बना के भी पूछ सकता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको बना के पूछ सकता है। तो अपने को इस सब्जेक्ट को समझना ज़्यादा है, रटना कम है। सबसे पहले अपन फुल फॉर्म दोबारा से देख लेते हैं ESDM की, एनवायरमेंटल स्टडीज, मतलब अपने को जो अपना पर्यावरण है इसका क्या करना है, अध्ययन करना है। डाइस्टर मैनेजमेंट, जो भी आपदाएं हैं उनका प्रबंधन। 211 इसका क्या है, कोड है, और ये इसका टाइटल है, 3 credit सब्जेक्ट है अपनी, सही। अब देखो अपनी ये सब्जेक्ट है, इसमें सबसे पहले अपन डेफिनेशंस देखेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन है मर्दा शरण। मर्दा शरण का मतलब ये होता है कि मर्दा की जो ऊपरी उपजाऊ जो परत होती है उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर कटकर चला जाना क्या कहलाता है, सोइल इरोजन। क्या कहलाता है साथियों, सोइल इरोजन कहलाता है। अब इसके बाद में दूसरी डेफिनेशन आती है इन्वायरमेंट के लिए। पहली डेफिनेशन अपन ने देख ली कि जो ऊपरी परत होती है वो कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, या कण जो मृदा के कण होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चले जाते हैं, इसे सॉइल इरोजन कहते हैं। मेनली दो कारणों से होता है, एक तो सॉइल के कारण सॉइल इरोजन, एक वाटर के कारण होता है, एक एयर के कारण मतलब जल के कारण होता है, और एक होता है हवा के कारण। अब नेक्स्ट अपने हैं एनवायरनमेंट की डेफिनेशन। एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है साथियों, जो पर्यावरण की जो बाहरी परिस्थितियां हैं, इनके परिवेश में जो मनुष्य या पशु होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं उनका विकास और उसके रहन सहन कार्य की स्थिति आदि को क्या करता है, प्रभावित करता है। मतलब जो एनवायरनमेंट है, पर्थ की जो अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर का जो आवरण होता है और वहाँ की जो जलवायु होती है, अब ये क्या करती है, जो मनुष्य है, पशु है या पौधे का विकास है और इनके रहन सहन को क्या करता है, प्रभावित करता है। फिर एनवायरनमेंट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है पॉल्यूशन। क्या है साथियों, पॉल्यूशन। अब जो नेचुरल चीज़ें हैं जैसे मान लो जल है, वायु है, अब ये क्या हो जाती है साथियों, विभिन्न रासायनिक और इनके जो जैविक गुण होते हैं उनमें क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, तो उससे क्या होता है, उससे वो हानिकारक होता है किसके लिए, जो भी उनका यूज करता है। जैसे वायु का ऑक्सीजन के रूप में कोई भी जीव यूज कर रहा है उसके लिए क्या हो रहा है, वो हानिकारक हो रहा है, और कोई भी जल यूज कर रहा है उसके लिए क्या हो रहा है, हानिकारक हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, पॉल्यूशन या प्रदूषण कहते हैं। अब इसके बारे में देखो वैश्विक तापमान या ग्लोबल वार्मिंग। क्या है, वैश्विक तापमान या ग्लोबल वार्मिंग। इसका मेनली अगर मैं बताऊं तो वैश्विक तापमान या ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो क्या होना, अधिक होना। पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो जाना, अधिक हो जाना, किसके अंतर्गत आता है, ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत आता है। देखो सूर्य से आने वाली जो सौर विकिरणें हैं, सही, इनका भाग और जो ग्रीन हाउस है इसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है।
अब इसके कारण क्या हो रहा है, जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रही है, उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसी को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो मुख्यतः किसके कारण हो रही है, ग्रीन हाउस गैसों के कारण। ग्रीन हाउस गैसों के कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन है बायोडाइवर्सिटी। किसकी डेफिनेशन है, बायोडाइवर्सिटी या विविधता, जैव विविधता। इसका मतलब क्या होता है समझिए, जो जीव होते हैं जीवों में क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है, डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो अब जो विभिन्नता है जीवों में, जो विभिन्नता है, अब सबसे पहले मैं बताऊं तो प्लांट ब्रीडिंग जब अपन ने पढ़ी थी तो उसमें देखा था कि अगर जैव विविधता होगी, बायोडाइवर्सिटी उपस्थित होगी, तभी उस जीव या उस प्लांट में क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट या विकास कर सकते हैं। देखो पर्यावरण में पाई जाने वाली जो जीव जंतुओं या पादपों की प्रजातियों में जो पाई जाने वाली जो विभिन्नता है, इसी को क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता क्या है, विकास की एक क्या है, जैविक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया है। और जो जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है वो किसने दिया था, एडवर्ड विल्सन ने। किसने दिया था साथियों, एडवर्ड विल्सन ने। इसके बाद में नेक्स्ट पेपर की डेफिनेशंस देखते हैं। पानी का जो TDS होता है, TDS का मतलब है टोटल डिसॉल्वड सॉलिड, मतलब टोटल डिसॉल्वड सॉलिड, मतलब कुल घुलनशील पदार्थ। क्या है, कुल घुलनशील पदार्थ। अब देखो TDS क्या होता है, TDS जो पानी में जो कुल घुलनशील जो ठोस पदार्थ होते हैं, कुल घुलनशील जो ठोस पदार्थ होते हैं पानी में, जो घुले हुए कुल ठोस जो पदार्थ होते हैं, घुलनशील ठोस पदार्थ होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, TDS कहते हैं। फुल फॉर्म की बात करें तो टोटल डिसॉल्वड सॉलिड। और पानी का TDS कितना होता है, 50 से 150 होता है। इसके बाद में देखो वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन। क्या है, वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन। अब क्या होता है साथियों, जो हवा होती है अपनी क्या होती है, एयर होती है या वायु होती है। अब इस वायु में ऐसे अवांछित धूल के कण या आदि उपस्थित हो जिससे क्या हो जाए, जो वायु है वो क्या हो जाती है, दूषित हो जाती है। ये मानव और प्रकृति के लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है साथियों, एयर पॉल्यूशन। मतलब जो अपनी हवा है, हवा में अवांछित गैसों के या धूल के कण क्या हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं, इसके कारण वो क्या हो जाती है, दूषित हो जाती है और मानव और प्रकृति के लिए क्या होती है, नुकसानदायक हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, एयर पोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट अपने है साइक्लोन। क्या है, साइक्लोन या चक्रवात क्या होता है, चक्रवात की डेफिनेशन है। इसमें क्या होता है, जो समुद्र की जो सतह होती है, जो समुद्र की जो सतह होती है वहां पर क्या होता है, निम्न वायुदाब होता है। निम्न वायुदाब के कारण उत्पन्न होते हैं, मतलब चक्रवात उत्पन्न की बात करें तो समुद्र की सतह पर चक्रवात उत्पन्न होते हैं और ये निम्न वायुदाब के कारण उत्पन्न होते हैं, जो कि तेज हवाएं और बारिश की गोलाकार जो रूप से जो छोड़ती है, जो समुद्र तट पर जाकर भयानक रूप ले लेती है। मतलब जो हवाएं होती है, वो जो पानी होता है, पानी को गोलाकार रूप में क्या कर लेती है, ये एक तबाह का रूप ले लेती है, जिसे किस नाम से जानते हैं, चक्रवात या साइक्लोन के नाम से जानते हैं। और ये समुद्र के जो किनारा होता है, समुद्र होता है, वहाँ पर ये किसके कारण होती है साथियों, निम्न वायुदाब के कारण होती है। किसके कारण होती है, निम्न वायुदाब के कारण होती है, जिसे साइक्लोन या चक्रवात कहते हैं। नेक्स्ट है सूखा या ड्रॉप। क्या होता है सूखा या ड्रॉप, जब पानी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है वहाँ पर, या तो 50% से कम या 75% से कम पानी की मात्रा हो, तो वहाँ क्या हो जाता है, सूखा हो जाता है। देखो जहाँ पर वार्षिक वर्षा 75% से क्या है, कम है, तो ऐसे क्षेत्र
सूखा के अंतर्गत या ड्रॉप्ड के अंतर्गत आते हैं, और जहाँ पर 50% से कम होती है, जहाँ पर वर्षा 50% से कम होती है, तो वहाँ पर भयंकर सूखा या सेवियर ड्रॉप्ड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में है बाढ़ या फ्लड। क्या होता है बाढ़ या फ्लड? क्या होता है? देखो, जब किसी स्थान पर अचानक भारी बारिश हो जाती है और जगह जगह पर क्या भर जाता है, पानी भर जाता है। क्या हो जाता है? जगह जगह पानी भर जाता है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। मतलब जब भारी वर्षा हो जाए और जगह जगह पानी भर जाए और जो जीवन होता है उनको भी क्या हो, बाधाएं आए हर स्थिति में, हर सिचुएशन में, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं साथियों? बाढ़ कहते हैं। नेक्स्ट अपने हैं डीनाइट्रिफिकेशन। क्या है साथियों? डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जो अपना NO3 है या नाइट्रेट है, ये किस में बदल जाता है? या तो स्वतंत्र नाइट्रोजन में या नाइट्राइट में, या नाइट्राइट में अगर बदल जाए क्या, जो अपना नाइट्रेट है जो कि पौधे को उपलब्ध होता है, ये नाइट्रेट या तो किस में बदल जाए, स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल जाए या नाइट्राइट में बदल जाए, तो इसे क्या कहते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। यहाँ ये क्या है, जैविक अपचायित क्रिया है जिसमें नाइट्रोजन को नाइट्रेट, जो नाइट्रेट होती है, इस अवस्था से जो एक तो गैसीय नाइट्रोजन होती है या नाइट्रस ऑक्साइड हो जाती, इसमें क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। फिर है सेफ्रोफाइट्स। क्या होते हैं सेफ्रोफाइट्स? सेफ्रोफाइट्स को हिंदी में बोलते हैं मर्तोपजीवी। क्या कहते हैं? मर्तोपजीवी, जो कि जो मर्त जीव होते हैं या मर्त पदार्थ होते हैं, उनसे अपना क्या करते हैं, पोषण ग्रहण करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? मर्तोपजीवी। मतलब जो मर्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन पर क्या होते हैं, अपने पोषण के लिए आश्रित होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सेफ्रोफाइट्स या मर्तोपजीवी कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपनी क्रिया है एंटीबायोसिस। क्या है एंटीबायोसिस? एंटीबायोसिस क्या होती है, जैसे कोई एक सूक्ष्म जीव है जो क्या करता है, ऐसा रासायनिक पदार्थ या ऐसा पदार्थ क्या करता है, स्रावित करता है, जो कि दूसरे सूक्ष्म जीव पर क्या करता है, हानिकारक प्रभाव डालता है, तो इसे क्या कहते हैं, एंटीबायोसिस। किस नाम से जाना जाता है साथियों? इसे एंटीबायोसिस के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट है, देखो इसको दोबारा से देख लो, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो कि एक सूक्ष्म जीव द्वारा क्या होते हैं, उत्पादित होते हैं और दूसरे सूक्ष्म जीव को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं, उसे नष्ट करने में सहायक होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, एंटीबायोसिस कहते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन आती है अपने इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी आती है? इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। अब इकोलॉजी क्या होती है या पारिस्थितिकी क्या होती है, इसके बारे में देखो जीव विज्ञान की क्या है, एक शाखा है। इकोलॉजी क्या है, एक जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें जो जीवों का समुदाय होता है, क्या होता है, जीवों का समुदाय होता है, उसके पर्यावरण के साथ में क्या करते हैं, संबंधों का अध्ययन करते हैं, रिलेशंस का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें क्या करते हैं, जीवों के समुदायों का उसके वातावरण के साथ क्या करते हैं, उसके वातावरण के साथ में संबंधों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है साथियों? इकोलॉजी या पारिस्थितिकी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपने हैं बायोस्फीयर या जैव मंडल। क्या है बायोस्फीयर या जैव मंडल? देखो बायोस्फीयर या जैव मंडल क्या होता है, जैव मंडल क्या है, एक जीवनदायी या जीवन पोषक क्या होती है, परत होती है जो कि पृथ्वी के चारों ओर क्या होती है, व्याप्त या विद्यमान होती है। जैव मंडल सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह की और परत एक क्या होती है, व्याप्त क्या है, आवरण है। मतलब ये क्या होती है, जो जीव होते हैं उनके लिए क्या है, एक जीवनदायी या जीवन पोषी क्या है, परत है जो कि पृथ्वी की चारों ओर ये क्या होती है, उपस्थित होती है, व्याप्त होती है। अब इसके बाद में है नेक्स्ट अपने अंतर है किसके बीच में, गैस प्रदूषक और कण प्रदूषक। किसके बीच में, पार्टिकल पोल्यूट्स और इसके अलावा गैस पोल्यूट्स। मतलब गैस प्रदूषक और
एक है कण प्रदूषक, इन दोनों में अंतर पूछा गया है। इन दोनों में अंतर देखेंगे साथियों। साथियों एक तो आप चैनल पर सभी क्लासेस तो विजिट करते हो, पर जो सभी स्टूडेंट्स जो विजिट करते हैं ना, वो एक तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो साथियों जो भी चैनल पर नया हो ना, वो सब्सक्राइब जरूर किया करो, ताकि हमारे को भी नोटिस एक मोटिवेशन मिल सके, एक प्रेरणा मिल सके। साथियों अंतर किस में देखना है? गैस प्रदूषक और कण प्रदूषक के बीच में। देखो इसमें क्या होता है, जो गैस प्रदूषक होता है, इसमें जो पावर प्लांट होते हैं, उद्योग होते हैं, और विभिन्न प्रकार की जो गाड़ियां होती है, चाहे वो निजी हो चाहे व्यावसायिक हो, दोनों ही ईंधन के रूप में क्या करती है, पेट्रोल और डीजल का क्या करती है, पेट्रोल और डीजल का प्रयोग करती है। और इनके द्वारा जो गैसें निकलती हैं, उनके द्वारा जो दहन होने पर जो गैसें निकलती है, वो क्या होता है, गैस पोल्यूशन होता है। इसमें देखो, इसमें पार्टिकल पोल्यूट्स में क्या होता है, जो औद्योगिक होती है, जो औद्योगिक जो चिमनियां होती है, इनसे निकलने वाले जो धूल और जो काले के जो रूप से जो क्या है, कण है, ये किस रूप में पाए जाते हैं, निलंबन रूप में पाए जाते हैं। किसमें? निलंबन कणों के रूप में वायु में पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पार्टिकल पोल्यूट्स या कणीय प्रदूषक बोलते हैं। इसके बारे में देखो नेक्स्ट है, जो अपने इस प्रकार के जो अपना गैस वाला होता है, जो क्या होता है, गैस प्रदूषक होते हैं, गैसीय प्रदूषक होते हैं, ये क्या करते हैं, श्वसन संबंधी बीमारियां क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, श्वसन संबंधी बीमारियां करते हैं। और इसके अलावा देखिए, जबकि इसमें TEL नामक एक पदार्थ होता है, जो कि जो बच्चों पर दीर्घकालिक क्या करता है, प्रभाव डालता है, जो कि जो बुद्धि है उसको क्या करता है, कमजोर करता है, जो बच्चे होते हैं उनकी। तो इसमें कौन सा आता है, कण प्रदूषक। अब इसके बाद में, जबकि यह गैस के रूप में होता है और ये क्या होता है, हवा में उड़ते रहते हैं, क्या, कणीय रूपों में। इसमें देखो, इसमें CO2 और SO2 है, CO2 और SO2 जैसी हानिकारक गैसें होती है, और इसमें क्या होता है, फ्लाई एयर और TEL अन्य धातुओं के क्या होते हैं, कण होते हैं। अब इसके बाद में देखो आगे, नेक्स्ट अपना अंतर है, एक तो भोजन की श्रृंखला और एक भोजन का क्या होता है, जाल। इन दोनों में अंतर देखना है, फूड चेन में और फूड वेब में क्या देखना है, अंतर देखना है। सबसे पहले देखो, जो फूड चेन होती है ये क्या होती है, क्रियाशील होती है, और जो अपनी फूड वेब होती है वो क्या नहीं होती, क्रियाशील नहीं होती है। जो फूड चेन है वो उत्पादक भोजन का क्या करती है, निर्माण करता है। जो फूड चेन है वो उत्पादक क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है, और इसमें अनेक फूड चेन मिलकर एक फूड वेब का निर्माण होता है। इसमें उत्पादक मिलकर निर्माण करते हैं, और इसमें अनेक प्रकार की फूड चेन होती है, जो एक खाद्य जाल का क्या करती है, निर्माण करती है। इसके बाद में देखो, भोजन का स्थानांतरण उत्पादकों से उपभोक्ता की ओर, मतलब उत्पादक है इससे कंज्यूमर की ओर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर होता है, और ऊर्जा के अनेक विकल्प पाए जाते हैं यहाँ पर। इसमें देखो, प्राथमिक उत्पादक से, प्राथमिक उपभोक्ता से फिर द्वितीय उपभोक्ता की ओर जाती है श्रृंखला। इसमें देखो, इकोसिस्टम में जितना जटिल जाल होगा उतना ही क्या होगा, वह परितंत्र क्या होगा, स्थायी होगा। इसके बाद में देखो, फूड चेन मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की, चारण खाद्य श्रृंखला, मर्तोपजीवी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला। इसके बाद में देखो, फूड वेब में, इसमें देखो, इसमें जो ऊर्जा होती है वो, इसके ऊर्जा के क्या होते हैं, एनर्जी के अनेक ऑप्शंस होते हैं, जिसमें किसी भी समष्टि के कम होने पर इकोसिस्टम की कार्य प्रणाली पर क्या नहीं पड़ता, असर या कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब इसके बाद में देखो आगे की ओर, इसके बाद में अंतर है बायो एग्मेटेशन और बायो सिमुलेशन में क्या है, अंतर है। बायो एग्मेटेशन देखो क्या होते हैं, यह जहरीले रसायन की बढ़ी हुई सांद्रता खाद्य श्रृंखला पर क्या है, एक जानवर जितना क्या होता है, अधिक होता है।
मतलब इसमें क्या होता है, जो जहरीले रसायन होते हैं इनकी बढ़ी हुई जो सांद्रता है वो क्या करती है, खाद्य श्रृंखला को क्या करती है, प्रभावित करती है। और इसके बाद में देखो बायोसिमुलेशन में किसी जीव के अंदर किसी पदार्थ की क्या होती है, सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिसे क्या कहते हैं बायोसिमुलेशन। जैसे जैसे खाद्य श्रृंखला में ऊपर की ओर जाती है, जैसे जैसे खाद्य श्रृंखला में ऊपर की ओर जाते हैं तो इसके स्तर में बायोएग्मेंटेशन के स्तर में क्या होती है, वृद्धि होती है। और इसमें किसी जीव के अंदर किसी पदार्थ की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। और बायोएग्मेंटेशन में एक स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक जाने में जो प्रदूषक है इसकी सघनता में क्या होती है, वृद्धि होती है। और किसी जीव में प्रदूषक की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपना अंतर देखो, स्लज और कंपोस्ट में अंतर है, किसमें है, स्लज और कंपोस्ट में अंतर है कि डिफरेंस बिटवीन स्लज एंड कंपोस्ट। स्लज तो ये क्या होता है, कीचड़ के रूप में होता है, गाद के रूप में होता है, और कंपोस्ट क्या होता है, एक प्रकार की खाद होती है। सबसे पहले देखो यह क्या होता है, यह नेचुरल होता है, स्लज क्या होता है, नेचुरल होता है, जबकि यह आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया जाता है। और यह मिट्टी में उर्वर नहीं होता, मतलब मिट्टी को उर्वर नहीं करता, और इसके द्वारा मृदा की जो फर्टिलिटी है, सॉइल फर्टिलिटी है, इसमें क्या होती है, इंक्रीज होती है। यह कैंसर का संकेत होता है, जबकि यह कैंसर के क्या है, बचाव का एक उपाय है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपन क्या करते हैं, यूज लेते हैं। इसके बाद में देखो इसमें स्लज में क्या होता है, काफी अधिक मात्रा में कचरा होता है, औद्योगिक को क्या होता है, अपशिष्ट होता है। और यह क्या होता है, पशुओं के मल से और जो पशुओं के जो फसलों के सिस्ट है उनके द्वारा क्या होता है, तैयार होता है, फसलों की पैदावार को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब इसके बाद में देखो आगे की ओर, नेक्स्ट अपना डिफरेंट है, एक होता है रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। मतलब ये क्या होते हैं, संसाधन होते हैं, रिसोर्सेस होते हैं, जो कि क्या है, पहला है रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल, मतलब नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय, मतलब इनको बदला जा सकता है, इनको बदला नहीं जा सकता। देखो ऊर्जा के वे स्रोत जिनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, मतलब इनको दोबारा से क्या कर सकते हैं, अपन प्राप्त कर सकते हैं, और इनको नहीं किया जा सकता, मतलब एक बार नष्ट हो जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं और इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। इनको बनाने में कुछ ही समय लगता है, पर इनको अगर बनाने की बात करें, इनके बनने की बात करें तो करोड़ों वर्ष लगते हैं। इसके अलावा है यह संसाधन क्या होते हैं, असीमित होते हैं, क्या होते हैं, असीमित होते हैं, और ये क्या होते हैं, लिमिटेड सोर्स होते हैं, मतलब क्या है, एक सीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं। इसके बारे में देखो रिन्यूएबल में किसी भी प्रकार का कोई जीवाश्म नहीं बनता है, रिन्यूएबल में किसी प्रकार का कोई जीवाश्म नहीं बनता है, और इनको जीवाश्म के द्वारा क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ये प्रकृति की देन है और यह कोई प्रकृति की देन नहीं है। इसके बाद में देखो ये समाप्त नहीं हो सकते और ये क्या हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं, मतलब समाप्त हो जाएंगे, लिमिटेड है। इसमें आ जाएगा सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, इसमें कोयला, पेट्रोलियम और गैस आ जाएगा। अब इसके बाद में देखो आगे की ओर देखते हैं, राइट ऑन शॉर्ट नोट्स, मतलब सबसे पहले अपने को देखना है जो वायु प्रदूषण होता है, मतलब सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन की, मतलब जो एयर पोल्यूशन होता है वायु के द्वारा क्या होता है, प्रदूषण होता है, इसकी स्रोत क्या है, मतलब कहां कहां से वायु का प्रदूषण हो सकता है, मतलब जो एयर पोल्यूशन है ये कहां कहां से हो सकता है। सबसे पहले देखो एयर पोल्यूशन क्या होता है, जो हवा है इसमें क्या हो जाते हैं, अवांछित गैसें और धूल के कण क्या हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण जो वायु होती है वो क्या हो जाती है, दूषित हो जाती है, और जो मानव व प्रकृति के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन कहते हैं, सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, मतलब जो एयर पोल्यूशन है या जो वायु प्रदूषण है इसके क्या क्या स्रोत होते हैं। सबसे पहले देखो वाहनों से निकलने वाला धुआं, जो भी डीजल या पेट्रोल से जो भी वाहन चलते हैं उनसे निकलने वाली जो धुएं हैं, जो गैसेस हैं, वो क्या करती है, जो वायु को क्या करती है, एयर को क्या करती है, पॉल्यूट करती है, प्रदूषित करती है।
नेक्स्ट देखो, उद्योगों या कारखानों से निकलने वाली हानिकारक गैसें। उद्योगों में क्या चलते हैं, विभिन्न प्रकार की मशीनें चलती है जो कि डीजल पेट्रोल से चलती है, विभिन्न प्रकार के इंजन चलते हैं जो कि डीजल पेट्रोल से चलते हैं, इनसे क्या निकलती है, विभिन्न प्रकार की गैसेस निकलती है जो कि क्या होती है, हानिकारक होती है, और ये वायुमंडल में उपस्थित जो प्योर ऑक्सीजन होती है उसको क्या करती है, जाकर पॉल्यूट करती है। इसके बाद में देखो, पेड़ पौधों या कोयलों से निकलने वाली धुआं भी क्या होती है, कई बार क्या होती है, हानिकारक होती है। आणविक जो संयंत्र होता है इससे निकलने वाली जो गैसेस होती है और धूल के कण होते हैं ये क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। अपशिष्ट पदार्थों के सड़ाने पर और उनसे निकलने वाली जो हानिकारक गैस होती है, जैसे अपशिष्ट पदार्थों को रेसिड्यूअल जो पदार्थ होते हैं उनको सड़ाते हैं तो उनसे क्या निकलती है, हानिकारक गैस निकलती है जो कि क्या होती है, हानिकारक होती है। अब इसके बाद में देखो, धान का खेत है उसके खेत से निकलने वाली जो CH4 गैस है ये भी क्या होती है, हानिकारक होती है। क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग में भी ये क्या होती है, ये सहायक होती है जिसके कारण वैश्विक तापमान क्या होता है, बढ़ता है। ग्रीन हाउस गैस जैसे CO2 वगैरह आ जाएगी, SO2 आ जाएगी, NO2 आ जाएगी, ये सारी गैसें क्या होती है, ये सारी गैसें क्या होती है साथियों, ये हानिकारक होती है, ये क्या करती है, पॉल्यूट करती है। किसको, ये वातावरण में जो गैस पाई जाती है, जो एयर पाई जाती है, हवा पाई जाती है, वायु पाई जाती है, उसको क्या करती है, प्रदूषित करती है। तो सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन आपको पता चल गया कि जो एयर पोल्यूशन होता है वो कहां से होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है अपना कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। कि साथियों अपन ने ये तो बात कर ली है कि सोर्स क्या है, इसके स्रोत क्या है, अब इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले देखो, औद्योगिक क्षेत्रों के चारों ओर हरित पट्टी का विकास किया जाना, मतलब सीधा सा मतलब है औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर पोल्यूशन होता है वहाँ पर चारों तरफ क्या लगानी चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। क्या लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। वाहनों से उत्पन्न धुएं पर छलनी तथा पश्चजौलक क्या लगाना चाहिए, पश्चजौलक लगाना चाहिए और छलनी लगानी चाहिए धुएं पर, सही। इसके बाद में देखो, वनोन्मूलन मतलब जो वनों की कटाई हो रही है उस पर क्या होनी चाहिए, रोक होनी चाहिए, क्योंकि वृक्षों से क्या होता है, पोल्यूशन कम होता है। जो भी पोल्यूशन होता है जो वृक्षों की जो पत्तियां होती है वहां पर जाकर क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, तो वृक्ष की जो कटाई हो रही है वो क्या करनी चाहिए, रोकनी चाहिए। नेक्स्ट है वृक्षारोपण, मतलब अपने को ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगानी चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए, और ये अपने आते हैं कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन के अंतर्गत। अब इसके बाद में है नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, मतलब क्या प्रभाव पड़ता है, जो अपना एयर पोल्यूशन है इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखो सबसे पहले देखो, इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, मतलब एयर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो इससे ओजोन परत नष्ट होती है, सबसे पहला इफेक्ट है ओजोन परत क्या होती है, नष्ट होती है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, बढ़ती है। इसके बाद में है जीन परिवर्तन के कारण अनुवांशिक रोग, मतलब एयर पोल्यूशन के द्वारा जीनेटिक जो प्रॉब्लम्स होती है या अनुवांशिक रोग होते हैं ये भी होते हैं। इसके अलावा त्वचा से संबंधित क्या होते हैं, बीमारियां होती है, क्योंकि आपको पता है एयर है, अब जो वायु अपनी त्वचा से जैसे ही टकराएगी तो इससे पोल्यूशन है, अब पोल्यूशन जैसे ही टकराएगा उसमें बहुत प्रकार की हो जाती है बीमारियां हो जाती है त्वचा से संबंधित। कैंसर हुआ, हृदयघात हुआ, ऐसी हानिकारक बीमारियों में भी क्या करता है, ये उनको इंक्रीज करने में हेल्प करता है, तो ये इफेक्ट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, वो तो इफेक्ट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल क्या है और इसकी संरचना क्या है, मतलब ट्रोपोस्फीयर और इसकी स्ट्रक्चर क्या है। अब देखो सबसे पहले सौर मंडल की संरचना, मतलब जो सौर मंडल है ट्रोपोस्फीयर है वो क्या है, वायुमंडल की या एनवायरनमेंट की क्या है, सबसे निचली परत है, क्या है, सबसे निचली सघन परत है। अब देखो इसमें जो अपनी सौर मंडल है ट्रोपोस्फीयर है इसकी भूतल से जो भूमिगत तल है इसकी औसत ऊंचाई लगभग कितनी है, औसत
ऊंचाई की बात करें तो 14 किलोमीटर है। कितनी है? 14 किलोमीटर है। और ध्रुवीय क्षेत्रों पर अगर ऊंचाई देखें भूमि तल से तो वो कितनी है? लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई है। कितनी है? लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई है। अगर विषुवत रेखा के समीप अपन ऊंचाई देखें तो वो कितनी है? लगभग 18 किलोमीटर है। कितनी है? अगर ध्रुवीय क्षेत्रों में देखें तो 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा में देखें तो 18 किलोमीटर, और औसत देखें तो 14 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है भूमिगत तल से। अब इसके बाद में देखो, सौरमंडल की जो मोटाई है वो विषुवत रेखा के समीप क्या होती है? सर्वाधिक होती है। मतलब जो सौरमंडल या ट्रोपोस्फीयर है इसकी मोटाई की बात करें तो विषुवत रेखा के समीप क्या होती है? सर्वाधिक मोटाई होती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में तापमान का स्थानांतरण और संवहन तरंग के कारण अधिक ऊंचाई तक होता है, और इन कारणों से जो इसे क्या कहते हैं? संवहन पृथ्वी कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन पृथ्वी कहते हैं। इसके बाद में देखो, धूल कण और जो अपना जो पादप इसी मंडल में पाए जाते हैं, मतलब जो धूल के कण होते हैं और जो विभिन्न प्रकार के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगभग क्या होते हैं? इसी जो ये परत है इसी में पाए जाते हैं। किसमें? सौभ मंडल में ही उपस्थित होते हैं। अतः सारी प्रकार की जो मौसम की जो घटनाएँ होती है, सारी प्रकार की जो मौसम की घटनाएँ होती है वो क्या होती है? अपने इसी मंडल में होती है। मतलब जो नीचे नीचे वाला जो अपना परत है, नीचे नीचे वाला मंडल है, वो कौन सा है? ट्रोपोस्फीयर या सौभ मंडल। तो इसमें मौसमी घटनाएं भी क्या होती है? इसी में होती है। और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या होती है? कमी होती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से। उबड़ खाबड़ होते हैं, जहां पर उबड़ खाबड़ होते हैं वहां पर क्या होते हैं? मतलब जैसे मान लो कोई भी विमान है, अब कोई उबड़ खाबड़ क्षेत्र आ गया तो इसी क्षेत्र में चलाते हैं। मतलब सौभ मंडल में ही जो विमान चालक होते हैं विमान को सौभ मंडल में ही चलाते हैं। इसके बाद में देखो, सौभ मंडल और समताल मंडल के मतलब एक क्या होता है? संकरण क्षेत्र पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? ट्रोफोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोफोज कहते हैं। अब आपको ट्रोपोस्फीयर के बारे में पता चल गया, वायुमंडल की ये क्या है? परत है, एक मंडल है जो कि कहाँ पाया जाता है? जो कि नीचे ही नीचे पाया जाता है, ट्रोपोस्फीयर के नाम से। अब इसके बाद में देखो, सतत विकास क्या है? संक्षेप में समझाइए। नेक्स्ट अपना क्या है? सतत विकास क्या है? संक्षेप में समझाइए। सबसे पहले देखो, सतत विकास क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, सतत विकास क्या है? एक इस प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है। सतत विकास में क्या किया जाता है? एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है? सुनिश्चित किया जाता है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ में जो भावी जो पीढ़ी आने वाली है, जो आगे की जो पीढ़ी आने वाली है, इनकी आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति में कोई कठिनाई नहीं हो। सतत विकास का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि जैसे मान लो आज मेरे पास में क्या है, कोई भी मान लो कोई भी संसाधन है, कोई भी रिसोर्सेस है। अब इस रिसोर्सेस का मैं प्रयोग इस प्रकार से करूं कि मेरी भी आवश्यकताएं पूरी हो और जो आने वाली जो पीढ़ी है उसकी भी क्या हो, आवश्यकताएं पूरी हो, उसमें आवश्यकताएं और आकांक्षाओं में क्या नहीं हो, कठिनाई नहीं है। जैसे अपन अभी मान लो सारे पेड़ों को काट देंगे, मान लो अभी तो कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा वायुमंडल पर, आने वाली पीढ़ी में क्या होगा? बहुत ही ज्यादा क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मान लो अपने अपने स्वार्थ के लिए अपन क्या कर लेते हैं, पेड़ों को काट लेते हैं, पर आगे आने वाली पीढ़ी में क्या पड़ेगा? ये सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा, सर्वाधिक इफेक्ट पड़ेगा। तो अपने को आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रखना है, इसी को क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास। अब देखो, यह निम्न सिद्धांतों पर क्या है? निर्भर है। जो सतत विकास, इसमें क्या है? स्थानीय जो समुदाय है इसका क्या होना चाहिए? सशक्तिकरण। इसके बाद में है स्थानीय ज्ञान और अनुभव का महत्व। नेक्स्ट सिद्धांत है स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं
आपको और जो प्राथमिकताएं हैं इनको क्या करना, इनकी पहचान करना। इसके बाद में स्थानीय निवासियों की सहभागिता होगी, जैसे मान लो गाँव में जो लोग उपस्थित है उनकी सहभागिता भी जरूरत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। इसके बाद में देखो लैंगिक समानता, और इसके अलावा कमजोर वर्गों को पूर्ण अधिकार। इसके बाद में है जैव विविधता, वह जो प्राकृतिक संसाधन है इनको क्या करना, इनका संरक्षण करना। जैसे जैव विविधता है, अब जीवों में विभिन्नता पाई जाएगी। मैंने कहा था कि डेवलपमेंट कब होगा, जब जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी। अब बायोडाइवर्सिटी और जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल जो रिसोर्सेस है, उनका क्या करना, संरक्षण करना। स्थानीय तकनीकों और निवेश और बाजारों को क्या करना, बढ़ावा देना। ये इसके क्या है, सतत विकास के सिद्धांत है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपना आता है भारत में टाइगर प्रोजेक्ट। क्या है, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट या टाइगर प्रोजेक्ट इन इंडिया। सबसे पहले देखो टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं, टाइगर प्रोजेक्ट इन इंडिया क्या था और कब आया था, और भारत में जो बाघ के जो राष्ट्र उद्यान है वो कहां कहां पर उपस्थित है। सबसे पहले देखो वन्य जीव जंतुओं में जो बाघ है ये क्या है, प्रमुख प्रजातियों में से क्या है, एक है। वन्य जो जीव जंतु है वहाँ पर जो भी जीव जंतु है उनमें से क्या है, बाघ एक महत्वपूर्ण क्या है, जंतु है। और 1973 में जो शताब्दी के प्रारंभ में 5000 से घटकर क्या हो गई, 1827 हो गई। मतलब पहले जो शताब्दी के प्रारंभ थी वहाँ पर 5000 क्या थी, इसकी संख्या थी बाघों की, और अब क्या हो गई, अब इसकी 1827 घटकर संख्या हो गई। देखो बाघ परियोजना दुनिया में अच्छी तरह से क्या है, प्रचारित और वन्य जीव अभयारण्यों में क्या है, एक है। और इसे 1973 में जो बाघ की जो टाइगर प्रोजेक्ट था वो 1973 में क्या किया गया, इंडिया में स्टार्ट किया गया। क्यों स्टार्ट किया गया, बाघों को संरक्षण देने के लिए। अब इसके बाद में देखो बाघ संरक्षण को केवल जो कुछ है वो बहुत ही प्रजातियों को बचाने के प्रयास में के रूप में नहीं, बल्कि बड़े परिणाम जैसे जैव प्रजातियां हैं इनको संरक्षित करने और साधन के रूप में क्या करना, समान महत्व देखा जाता था। मतलब जो अपनी टाइगर प्रोजेक्ट जो योजना थी, अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो भी ऐसी प्रजातियां हैं जैसे बाघ है, इसके अलावा भी जो प्रजातियां हैं उनको संरक्षण देना, ताकि वो क्या नहीं हो, विलुप्त नहीं हो। अब देखो भारत में जो बाघ की राष्ट्र उद्यान है वो कहाँ कहाँ पर स्थित है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में, और मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, और एक है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। अब इसके बाद में देखो आगे की ओर, अब अपना आता है टॉपिक बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। क्या आता है, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता जो अपन पढ़ रहे थे वही है कि जीवों में पाई जाने वाली, जीवों में या मान लो या पौधों में मान लो जो भी विविधता है उसको क्या कहते हैं, उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। साथियों इसका मेन में उद्देश्य बता दूँ कि इसको क्यों पढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है, किसी भी चीज़ में अपने को जीवों में विकास की ज़रूरत हो, पेड़ों में विकास की ज़रूरत हो, अपने को क्या चाहिए, जैव विविधता चाहिए। मतलब उनमें क्या चाहिए, विभिन्नता ही चाहिए, चाहे जीवों में विभिन्नता हो, चाहे पेड़ों में विभिन्नता हो, चाहे फसलों में हो, क्या चाहिए, विभिन्नता चाहिए उसके डेवलपमेंट के लिए। अब तो देखो साथियों बायोडाइवर्सिटी है मतलब विभिन्नता है, इस विभिन्नता का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है, ताकि आगे जैव विविधता में कमी नहीं आए। जैव विविधता में कमी को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाए जाते हैं, जैसे कोई संरक्षण अधिनियम हुआ, वो सारे अपन चर्चा करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी है इसको कम कैसे करते हैं, इसके क्या क्या प्रकार हैं, उन सभी की अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो डेफिनेशन वही है, पर्यावरण में पाई जाने वाली जो जीव जंतु है और जो पादप होते हैं इनकी प्रजातियों में जो पाई जाने वाली जो विभिन्नता है उसे क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता क्या है, विकास की एक क्या है, जैविक प्रक्रिया है। और यह शब्द किसने दिया था, एडवर्ड
विल्सन ने दिया था। इसके बाद में देखो जैव विविधता निम्न प्रकारों की होती है। सबसे पहले देखो जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब जेनेटिक प्रकार के कौन सी, आनुवांशिक जैव विविधता या जेनेटिक डाइवर्सिटी। देखो एक ही जाति में पाई जाने वाली विभिन्नता को क्या कहते हैं, जेनेटिक जैव विविधता। मतलब एक ही प्रकार की क्या है, प्रजाति है, उसमें अगर विभिन्नता पाई जाए तो उसे क्या कहते हैं, जेनेटिक जैव विविधता। जैसे आनुवंशिक जैव विविधता है, इसमें जीन में विविधता के कारण उत्पन्न होती है। मतलब जो अपने जो भी जीव जंतु होते हैं उनके जीनों में जो विविधता पाई जाती है, जैसे ऐसे नहीं कि बाहर से दिखने में विभिन्नता हो, जो उनके जीनों में, उनमें जो जीन्स पाए जाते हैं उन जीन्स में अगर क्या है विभिन्नता है तो उसे क्या कहते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे सर्पगंधा की अनेक किस्में जिसे हिमाचल पर उगाई जाती है, जिनमें अलग अलग मात्रा में रेसरपीन क्या होता है, पाया जाता है, किसी में ज़्यादा पाया जाता है तो किसी में कम पाया जाता है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट है स्पीसीज डाइवर्सिटी। पहला अपन ने देखा कौन सी, जेनेटिक मतलब जीन्स में क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। दूसरी है स्पीसीज डाइवर्सिटी, जातीय विविधता में किसी जाति की विभिन्न किस्मों तथा निकट संबंधियों में क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। निकट संबंधियों में क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों, स्पीसीज डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इसमें देखो जो पश्चिमी घाट है इसमें उभयचरों की अधिक जातियां तथा पूर्वी घाट में कम जातियां। मतलब इसमें क्या होता है, जो जातियां होती है उनकी विभिन्न किस्मों या जो संबंधी होते हैं उनमें क्या होती है, विभिन्नता होती है। जैसे पश्चिमी घाट में तो उभयचरों की क्या है, अधिक जातियां हैं, और पूर्वी घाट में क्या है, कम जातियां हैं। इसके बाद में है नेक्स्ट अपनी जो डाइवर्सिटी है वो होती है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यह जो जैव विविधता है वो पारिस्थितिकीय स्तर पर होती है। कैसे पाई जाती है, पारिस्थितिकीय स्तर पर पाई जाती है। जैसे रेगिस्तान हुआ, वर्षा हुई, वन हुआ, इनमें क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। इसे क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल जैव विविधता। मतलब जो भी परिस्थिति है, जैसे मान लो वहाँ पर वर्षा की विविधता मान लो, या रेगिस्तान की मान लो, वनों की मान लो, इसे किस में लेते हैं अपन, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंतर्गत लेते हैं। वो अपना जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी और उसके टाइप्स हो गए। अब इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसे कहते हैं या स्थानांतरण कृषि किसे कहते हैं। एग्रीकल्चर वाले हो, मेरे हिसाब से शिफ्टिंग कल्टीवेशन या जो स्थानांतरण कृषि है इसके बारे में अच्छी प्रकार से जानते होंगे। और साथियों आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़ भी लेकर आया हूँ, महत्वपूर्ण आपके लिए। ऐसे मान लो कि एक खुशखबरी होने वाली है, खुशखबरी भी आपके लिए लेकर आया हूँ। और साथियों मैं बता देता हूँ, आपके जो जूनियर्स हैं, फर्स्ट ईयर के जो जूनियर्स हैं उनका टाइम टेबल आ चुका है। 18 जनवरी से उनके थ्योरी के पेपर स्टार्ट है, 18 जनवरी से उनके थ्योरी के पेपर स्टार्ट है। तो उनके गाइड ज़रूर करना, उसकी अपन अभी एंड में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से उनको गाइड करना है। और साथियों मैंने कहा है कि एक खुशखबरी ज़रूर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो वो मैं खुशखबरी आपको ज़रूर बताने वाला हूँ साथियों। सबसे पहले देखो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसे कहते हैं साथियों। ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ज़्यादातर आदिवासी अपनाते हैं या वनों के क्षेत्र में की जाने वाली एक प्रकार की क्या है, खेती है। अब जैसे मान लो कोई भी एक फैमिली है या एक ग्रुप है, वो क्या करता है, जैसे मान लो इस वन में क्या करता है, इसको जलाकर सबसे पहले यहाँ पर आएगा और जो भी इसमें वन वगैरह है, जो भी पेड़ पौधे हैं, उनको सभी को जला दे। जलाने से उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, उसको पोषक तत्व मिल जाएंगे और वहां पर 2 से 3 साल तक क्या करेगा, बढ़िया खेती करेगा। इसके बाद में जाएगा भाई साहब दूसरे वन में, दूसरे वन में ये ग्रुप क्या करेगा, वहीं पर जाकर वही प्रोसेस अपनाता है, जलों को काटेगा, उनको जलाएगा और जलाकर वहां पर क्या करेगा, 2 से 3 साल तक क्या करेगा, खेती करेगा। यहां पर भी 2 से 3 साल तक कर लिया भाई साहब। जाएगा तीसरे में, तीसरे में भी वही करेगा, वहाँ पर जलाएगा और वहाँ पर खेती करेगा। इसमें आ गया
फिर वापस इसमें आ जाएगा, मतलब 4-5 साल में ये वापस से ग्रो जाएंगे। फिर यहाँ पर क्या करेगा, जाकर वही प्रोसेस करेगा, मतलब उसको जलाएगा, काटेगा और वहाँ पर क्या करेगा, खेती करेगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, मतलब स्थानांतरित कर सी, मतलब यहाँ से यहाँ स्थानांतरण, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब क्या कर रहा है, स्थानांतरण कर रहा है, क्या कर रहा है, स्थानांतरण कर रहा है। इसे क्या करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट, इसके बारे में देख लेते हैं। स्थानांतरण कृषि जो कृषि की जीविका है या कृषि का एक प्रकार है, जिसमें क्या है, कोई भूमि का एक टुकड़ा होता है, कुछ समय के लिए फसल बोने के लिए क्या किया जाता है, चुना जाता है, और जैसे ही उर्वरता जो समाप्त हो जाती है, जैसे ही उर्वरता समाप्त हो जाती है, तो किसी दूसरे टुकड़े को ऐसे ही कृषि करने के लिए क्या कर लेते हैं, चुन लेते हैं। पहले चुने गए जो टुकड़ा होता है उस पर प्राकृतिक वनस्पति आ जाती है, पहले वाले पर अगर प्राकृतिक वनस्पति आ जाती है, उस पर विकास हो जाता है, तो इस पर वापस से क्या हो जाते हैं, ये आ जाते हैं, वापस से वहां पर क्या करने लग जाते हैं, खेती करने लग जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जमीन पर पहला टुकड़ा प्राकृतिक वनस्पति से पुनः आच्छादित होकर या सफाई और कृषि के लिए क्या हो जाता है, उपयुक्त हो जाता है, तब वहां पर क्या कर लेते हैं, कृषि कर लेते हैं। इसके बारे में देखो नेक्स्ट है, यह है कृषि क्या होती है, अमेजिन बेसिन के सघन वन्य क्षेत्रों में क्या होती है, मुख्यतः अपनाई जाती है या प्रचलित है। अब इसके बारे में देखो नेक्स्ट अपन चलते हैं, ध्वनि प्रदूषण के जो स्रोत है और इसके अलावा इसके प्रभाव, पहले वायु प्रदूषण के बारे में या एयर पोल्यूशन के बारे में चर्चा कर ली थी, अब नेक्स्ट आता है अपना ध्वनि प्रदूषण या कौन सा है, नॉइस पोल्यूशन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉइस पोल्यूशन। अब साथियों अगर तेज आवाज़ होती है, अगर कोई भी जगह है तेज आवाज़ होती है और वो कानों के लिए क्या नहीं है, सुनने के लिए प्रॉपर नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। देखो सबसे पहले देखो, प्रकृति में सभी जीव जंतुओं के लिए असामान्य या अवांछनीय ध्वनि, इसे क्या कहते हैं, प्रदूषित ध्वनि, मतलब जो अवांछनीय, मतलब उसको सुन नहीं सकता, असामान्य, सामान्य से भिन्न, वो क्या होती है, वो ध्वनि क्या होती है, प्रदूषित ध्वनि होती है, क्या होती है, प्रदूषित ध्वनि होती है। ध्वनि विभिन्न प्रकार के यंत्रों, वाहनों और मशीनों आदि से क्या होती है, उत्पन्न होती है, जैसे लाउड स्पीकर हो गया, सायरन हो गया, बाजे हो गए, ट्रैक्टर हो गया, डीजे हो गया, इनके द्वारा क्या होता है, इनकी वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है, मुख्यतः क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। और इसके बाद में देखो, ध्वनि की जो तरंगे होती है वो जीवों की विभिन्न मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं होती हैं उनको क्या करती है, इफेक्ट डालती है, और ध्वनि प्रदूषण से सुनने की क्षमता का क्या होता है, ह्रास होता है, सुनने की क्षमता का क्या होता है, ह्रास होता है, और तंत्रिका तंत्र संबंधी क्या होती है, डिजीज होती है, और इसके अलावा नींद आने में भी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, नींद आने में भी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या है, ध्वनि प्रदूषण के मुख्यतः क्या है, स्रोत है। इसके बाद में है इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन, क्या है नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन का प्रभाव। पहला देखो, ध्वनि प्रदूषण से चिड़चिड़ापन होता है, क्या होता है, चिड़चिड़ापन होता है। नेक्स्ट देखो, ध्वनि प्रदूषण से हृदय घात और जो जो और प्रकार की क्या होती है, समस्या क्या होती है, उत्पन्न होती है। और इसके बाद में देखो, जो रुधिर चाप होता है, ब्लड प्रेशर है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, सिर में दर्द उत्पन्न होता है और थकान महसूस होती है, मतलब तेज आवाज़ सुनने से क्या होती है, थकान महसूस होती है, कम सुनाई देता है, और सिर से संबंधित बीमारियां होती है, बेचैनी महसूस होती है, तेज ध्वनि से गर्भपात हो सकता है, मतलब जो गर्भवती जो महिलाएं होती है उनमें गर्भपात की समस्या भी होती है। रोग ग्रस्त होना, किसी भी रोग से क्या हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। भूख न लगना, गुस्सा होना, मतलब चिड़चिड़ापन होना, ये सारे क्या होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपना है डिस्कस स्कोप्स ऑफ इकोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र के टाइप्स क्या है और
और इसके अलावा इकोलॉजी का स्कोप क्या है। सबसे पहले अपने को इकोलॉजी का स्कोप देखना है और इसके बाद में इको सिस्टम के टाइप्स देखने हैं। सबसे पहले देखो इकोलॉजी की डेफिनेशन। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की क्या है, एक शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों व उनके जो बाह्य वातावरण होता है, एक तो जीव होते हैं, सही, जीव होते हैं और जीव और उनका जो बाह्य वातावरण होता है, इन दोनों के मध्य क्या करना, उनके जो रिलेशन है उसका क्या करना, अध्ययन करना क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, इकोलॉजी कहलाता है। इसके बाद में है स्कोप ऑफ इकोलॉजी, क्या है स्कोप ऑफ इकोलॉजी। देखो साथियों, इसमें वानस्पतिक उपगमन क्या है, वानस्पतिक उपगमन पहला स्कोप है, वानस्पतिक उपगमन या बॉटनिकल अप्रोच किसकी है, ये इकोलॉजी के स्कोप है। इस उपगमन के अंतर्गत जो पौधे होते हैं और जो जंतु होते हैं उनके बीच संबंध और उनके नियंत्रण और नियम की क्या होती है, संकल्पनाएं क्या होती है, शामिल होती है किसमें, बॉटनिकल अप्रोच में। फिर है जूलॉजिकल अप्रोच, कौन सी होती है, जूलॉजिकल अप्रोच, इसमें क्या होते हैं, इसके अनुसार जंतु एक क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, घटक है। इसके बाद में है इकोतंत्र उपगमन, मतलब इकोसिस्टम अप्रोच, इसमें देखो इसके अंतर्गत जो इसके अध्ययन को पारिस्थितिकी भी कहते हैं, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, इकोतंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी भी कहते हैं। इसके बाद में देखो जीवीय या बायोटिक अप्रोच, देखो इसमें एक पादप या क्या होता है, जंतु समुदाय होता है। इसके बाद में देखो हैबिटेंट अप्रोच होती है, इसके बाद में पॉपुलेशन अप्रोच होती है, इसके बाद में स्टेटिस्टिकल अप्रोच होती है। यह पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है या पारिस्थितिकी होती है, इसकी आधुनिक क्या है, शाखा है स्टेटिस्टिकल अप्रोच, जिसके अंतर्गत जो प्रक्रियात्मक जो तंत्र होते हैं इनका सांख्यिकी और कंप्यूटर की सहायता से क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ये अपनी क्या है, स्कोप्स ऑफ इकोलॉजी। अब इसके बाद में देखो इसकी सहायता से समय के साथ में जो इको तंत्र है इसमें जो भी परिवर्तन होते हैं उनका क्या कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, किसकी सहायता से, स्टेटिस्टिकल अप्रोच से। ये सारी आपको समझ में आएगी स्टेटिक्स की क्लास में, कहाँ पर, स्टेटिक्स की क्लास में समझ में आएगी। और साथियों मैंने कहा था कि वहाँ पर अपने ऐप पर कोर्स अवेलेबल है और बहुत ही कम कॉस्ट में अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। पर फिर भी कुछ स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि सर पेपर सॉल्यूशन करवा दो, सर पीडीएफ सेंड कर दो। साथियों इतनी ही है, 6 से 8 घंटे की क्लासेस, उनको आप आराम से पढ़ सकते हो। और नहीं पढ़ना चाहते हो ना, तो सर फिर आप मेरे को मैसेज भी मत किया करो। पढ़ना चाहते हो, अगर एक्टिव स्टूडेंट हो तो मेरे हिसाब से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा ही पिछली 2 क्लासों में मैं बोलता आ रहा हूँ कि अभी भी अपने को जैसे 1 घंटे का भी टाइम मिले तो 1-1 घंटा निकाल कर 6 से 8 घंटे एक बार तो पहले कोर्स कर सकते हो, एक बार उसी दिन कर लोगे, रिविजन कर लोगे, फिर पीडीएफ से रीडिंग मार लोगे। मेरे हिसाब से उस कोर्स से पढ़ने के बाद में किसी भी स्टूडेंट के, और जो स्टूडेंट्स पढ़ रखे हैं ना, एक बार स्टेटिक्स पढ़ रखे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे जो कि पढ़ रखे हैं और ऐसे बोलते हैं कि सर मैंने पहले पढ़ा था तब मेरे को बहुत ज़्यादा कठिन लगती थी स्टेटिक्स सब्जेक्ट, और पढ़ने के बाद में मेरे को वो क्या फर्क आया। इसके लिए कमेंट करना, जो भी स्टूडेंट्स हैं ईमानदारी से कमेंट करना कि आपने कोर्स लिया उसके बाद में जो भी टॉपिक्स पढ़े उन टॉपिक्स को पढ़े और पेपर सॉल्यूशन किया, इसके बाद में कितना आप में फर्क है, शुरू में लेकर कोर्स नहीं लेने से और बाद में लेकर पढ़ने से क्या इफेक्ट आया। अगर कोई स्टूडेंट एक भी आकर ऐसे बोलता है ना, वो ईमानदारी से अगर ऐसे बोलता है ना कि सर मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, पहली बात तो कितना भी वीक से वीक स्टूडेंट हो आसानी से समझ में आ जाएगा। साथियों वो है ही ऐसा, जो कोर्स है अपने 6 से 8 घंटे वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग और एक बिल्कुल आसान भाषा में, चाहे कोई चीज़ को 10 बार भी बताया जाए, मतलब आसान भाषा में नोट्स बनाए गए हैं, स्वयं के हैंड रिटन नोट्स है, ऐसे नहीं है कि किसी के नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं स्वयं के, तो उसके द्वारा आपको पढ़ाया गया है और मेरे मार्गदर्शन में वो बनाए गए हैं। ऐसे नहीं है कि कोई अदर नोट्स बना रहा है, अदर उसको पढ़ा रहा है, बढ़िया तरीके से है। और फिर भी आप नहीं पढ़ना चाहो तो साथियों वो आपकी इच्छा है, और एक बार अपन तो गाइड करने का एक बार होता है जो मैंने आपको बोल दिया पहले। अब इसके बाद में देखो आगे की ओर चलते हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम क्या है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम,
पहली कौन सी है? वन पारिस्थितिकी, इसके बाद में है मरुस्थलीय पारिस्थितिकी, फिर है खाद्य पारिस्थितिकी, नदी पारिस्थितिकी और तालाब पारिस्थितिकी, और फिर नेक्स्ट है झील पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्या है? झील पारिस्थितिकी। अब चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता के प्रकार और उसके संरक्षण का क्या कीजिए, उसका संरक्षण का जो संरक्षण है मतलब कंजर्वेशन है उसका क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। साथियों मैंने कहा था कि उसका कंजर्वेशन या संरक्षण क्या है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन की अपन ने चर्चा कर ली, इसके बाद में इसके टाइप्स की भी अपन ने चर्चा कर ली, अभी पीछे ही चर्चा की थी। अब इसके बाद में देखो आगे की ओर चलते हैं। कंजर्वेशन, अब इसके कंजर्वेशन या संरक्षण की बात करते हैं कि जो बायोडायवर्सिटी है इसका संरक्षण कितने प्रकार का होता है, इसकी अपन चर्चा करते हैं। देखो विश्व में जो जैव विविधता है इसके ह्रास के कारण उनके आवासों का क्या है, विनाश है। मतलब जो भी विश्व है, वर्ल्ड है, इसमें जैव विविधता का क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, तो उसका अपने को क्या करना है, संरक्षण करना है। तीव्र गति से वनोन्मूलन के कारण, किसके कारण, वनों को काटने के कारण वन्य जीवों का एकांकी समूह है क्या कर दिया है, विभिन्न अलग अलग कर दिया है, विभक्त कर दिया है, जो कि प्राकृतिक जो आपदाएं हैं इनसे निपटने में क्या है, असमर्थ है। जैसे मान लो साथियों कोई भी अपना वन था, वन में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते थे, अब उनमें क्या हुआ, उनमें जैसे ही वनों को काटते हैं और उनका क्या हुआ, ग्रुप क्या हो गया, विभक्त हो गया। अब इसके बाद में जो कंजर्वेशन है मेनली टू टाइप का होता है, पहला है इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। इसमें क्या होता है, ध्यान से समझिए, इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी क्या होती है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, ISC ऑफ बायोडायवर्सिटी BD। देखो जब जीव व वन्य जातियों को उनके आवास में ही क्या किया जाता है, संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, ISC BD, मतलब इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी कहलाती है। जब कोई भी जीव है या वन्य जाति है उनको उनके आवास क्षेत्र में ही, उनके उनके आवास क्षेत्र में ही क्या किया जाता है, संरक्षण प्रदान किया जाए, तो उसे इन सीटू कंजर्वेशन बायोडायवर्सिटी कहते हैं। इसके बाद में देखो वर्तमान में अनेक राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य और जैव मंडलीय क्षेत्रों की क्या की गई है, स्थापना की गई है। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपना इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। पहला था पहला इन सीटू था, अब आया है एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। देखो ये क्या होता है, जब कोई वन्य जीव है, जब क्या है, कोई वन्य जीव है और कोई वनस्पति है उनके वास्तविक स्थान से हटाकर, मतलब जहां पर उनका आवास है, जहां पर वो रहते हैं, जहां पर वो नेचुरली रूप से है, तो वहां से उनको हटाकर अन्य क्षेत्रों में क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, तो उन्हें XC2 कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी कहते हैं। इसमें जो संकटग्रस्त जो जातियां होती है उनको कृत्रिम वातावरण में भोजन वगैरह उपलब्ध करवाया जाता है, किसमें, XC2 कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी में, जैसे उद्यान हो गया, बीज बैंक हो गया, जैव संरक्षण के सुरक्षित स्थान है मुख्यतः। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपना है डिस्क्राइब द एनर्जी सोर्सेस, इट्स टाइप्स एंड इसका वैकल्पिक जो स्रोत है उनका क्या करना है, वर्णन करना है। मतलब जो ऊर्जा के जो संसाधन है, एनर्जी रिसोर्सेस है, उनके प्रकार कि उनके प्रकार क्या है, फिर है कि उनके वैकल्पिक जो स्रोत होते हैं, ऊर्जा के जो वैकल्पिक जो स्रोत होते हैं उनका क्या करना है, वर्णन करना है। देखो सबसे पहले है कि एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले क्या है कि एनर्जी क्या होती है। देखो एनर्जी की डेफिनेशन, देखो किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता होती है, कोई भी कार्य है, कोई भी वर्क है, उसको करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, एनर्जी या ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, एनर्जी या ऊर्जा कहलाती है। किसी भी कार्यकर्ता को कार्य करने की जो क्षमता होती है
वो क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। मतलब कोई कार्य करने में जो भी अपने ऐसे लग रहा है वो क्या है, एनर्जी है, दिस इज कॉल्ड एनर्जी। अब इसके बाद में है एनर्जी सोर्स, मतलब अब एनर्जी अपने को कार्य करने में लग रही है, कार्य करने में एनर्जी लग रही है, ऊर्जा लग रही है, फ्यूल लग रहा है, जिसको फ्यूल भी बोल सकते हैं। अब जो एनर्जी है, एनर्जी की सोर्स क्या है, मतलब कहाँ कहाँ से एनर्जी आ सकती है। देखो सबसे पहले है सूर्य, पृथ्वी पर ऊर्जा का क्या है आधारभूत या फंडामेंटल क्या है, सोर्स है। जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, जीवाश्म ईंधन हुआ, अनवीनीकरणीय संसाधन हुए, नॉन रिवेन्यूबल। और जबकि सूर्य है, मतलब ये तो क्या है, मतलब अनवीनीकरणीय, मतलब देखो कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, जीवाश्म ईंधन हुआ, ये क्या है अनवीनीकरणीय, मतलब नॉन रिन्यूएबल, मतलब इनको दोबारा से नहीं बना सकते, ये क्या है लिमिटेड सोर्सेस है। और इसके अलावा जबकि सूर्य की रोशनी हुई, पवन हुआ, जल हुआ, बायोमास हुआ और भूतापीय हुआ, ये सारे क्या है रिन्यूएबल, मतलब इनको क्या कर सकते हैं दोबारा से बना सकते हैं, मतलब क्या है नवीनीकरणीय है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन, क्या है जीवाश्म ईंधन, परमाणु ऊर्जा, जल, ये क्या है परंपरागत संसाधन है, क्या है परंपरागत या ट्रेडिशनल रिसोर्सेस है। जबकि सौर, जैव और पवन, समुद्र, हाइड्रोजन और भूतापीय जो ऊर्जा है ये क्या है वैकल्पिक, क्या है वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन है। अब इसके बाद में देखो हमारे पास गैर वाणिज्य संसाधन जैसे लकड़ी हुआ, ईंधन हुआ, गाय का गोबर हुआ, ये क्या है कृषि के अवशिष्ट वगैरह, ये क्या है गैर वाणिज्यिक संसाधन है, क्या है गैर वाणिज्यिक रिसोर्सेस है। अब इसके बाद में देखो ग्रोविंग एनर्जी नीड, सबसे पहले क्या देखना है, अब इस टॉपिक में देखना है सोर्सेस, अपन ने देख लिए कि सोर्सेस क्या है एनर्जी के, अब देखना है ग्रोविंग एनर्जी नीड। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की मांग क्या बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे एनर्जी में सोर्सेस अपन ने देखे, जैसे पेट्रोल डीजल हो गया, इनकी मांग ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रही है धीरे धीरे बढ़ रही है। और वर्तमान में ऊर्जा का उपयोग मुख्य रूप से खाना पकाने में, प्रकाश के लिए और कृषि कार्यों में किया जा रहा है। और 75% जो ऊर्जा की खपत है वो ऊर्जा किसमें, खाना पकाने में और प्रकाश हेतु होती है, मतलब लाइट के लिए होती है, किसके लिए लाइट के लिए, बिजली के लिए। अब इसके बाद में है नेक्स्ट अपना है कृषि में ऊर्जा का उपयोग मुख्य रूप से पानी निकालने के लिए किया जाता है, किसके लिए पानी निकालने के लिए, जैसे कुएं से पानी निकालते हैं उसके लिए किया जाता है। पानी की सफाई और सफाई, शिक्षा, परिवहन, रोजगार और पर्यावरण को बचाए रखने के लिए ऊर्जा क्या होती है महत्वपूर्ण होती है। जैसे सफाई में हो गई, शिक्षा में हो गई, परिवहन में हो गई, रोजगार में हो गई, इसके अलावा पर्यावरण में हो गई, यहाँ पर ऊर्जा की क्या है महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे परिवहन में तो सारे डीजल वगैरह से जो वाहन चलते ही हैं। अब इसके बाद में देखो आगे क्यों, टाइप्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी देखो सबसे पहले हैं जो ऊर्जा है, ऊर्जा को जो टाइप्स ऑफ एनर्जी है इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है रिन्यूएबल, मतलब नवीनीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल मतलब अनवीनीकरणीय, यह है अल्टरनेटिव या वैकल्पिक ऊर्जा, क्या है वैकल्पिक ऊर्जा। सबसे पहले देखो रिन्यूएबल, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो बताई थी मैंने, नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय, उनमें अंतर बताया था उस टाइम मैंने, आसानी से समझा दिया था आपको। रिन्यूएबल कौन सी होती है, जिनको अपन वापस से बना सकते हैं, मतलब रिन्यू कर सकते हैं। देखो ऊर्जा के वे संसाधन जो कि प्रकृति में लगातार क्या होते हैं, बनते रहते हैं, जिनकी पुनः प्राप्ति की जा सकती है। जैसे सूर्य ऊर्जा है डेली दिन उठ के मिलती है, पवन ऊर्जा है ये भी अपन हवा के द्वारा बना सकते हैं, बायोगैस भी अपन गोबर से बना सकते हैं, भूतापीय भी अपने को मिल जाता है, जैव ईंधन भी अपने को मिल जाता है। सही, ये कौन सी होगी रिन्यूएबल एनर्जी, और इनको लगातार क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। फिर है नॉन रिन्यूएबल, मतलब ऊर्जा के वे संसाधन हैं जो प्रकृति में क्या है एक लिमिटेड मात्रा में क्या है अवेलेबल है, और जिनके पुनः चक्रण में क्या होता है करोड़ों वर्ष लगते हैं, क्या होता है
क्रोडोवर्स लगते हैं और इन्हें क्या कहते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कहते हैं, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, प्राकृतिक गैस हुई, ये क्या है अनवीनीकरणीय क्या है संसाधन है। इसके बाद में देखो अल्टरनेटिव एनर्जी क्या आती है, अल्टरनेटिव एनर्जी देखो ऊर्जा के वे सभी स्रोत उन सभी स्रोतों को क्या कहते हैं वैकल्पिक ऊर्जा कहते हैं जो कि जीवाश्म ऊर्जा से प्राप्त है, मतलब ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो कि किससे प्राप्त होते हैं जीवाश्म ऊर्जा से प्राप्त होते हैं, जैसे पवन ऊर्जा हुआ, सौर ऊर्जा हुआ, जल ऊर्जा हुआ, ये सारे क्या है वैकल्पिक जो ऊर्जा के स्रोत है। देखो पवन ऊर्जा है ये 49,132 मेगावाट उत्पादन करती है। सौर ऊर्जा रोशनी प्रदान करती है, क्या करती है सौर ऊर्जा से आजकल आपने लाइटें देखी होगी, बिजली उत्पादित होती है। और इसके अलावा जो बहता पानी है वो भी क्या बनाता है, वो भी क्या बनाता है साथियों बिजली बनाता है। आपने देखा होगा कोटा में जो भी रिवर्स वगैरह होती है वहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है जल के द्वारा। अब देखो इसके बाद में है डिस्कस मैन मेड डिजास्टर एंड देयर मैनेजमेंट, मतलब जो मानव जनित जो विपदाएं होती है और उसके प्रबंधन की अपने को क्या करनी है विवेचना करनी है, मतलब मानव जनित जो आपदाएं होती है या विपदाएं होती है वो क्या है और इनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो साथियों सबसे पहले हैं मानव जनित जो विपदाएं होती है और उनके प्रबंधन की विवेचना। देखो सबसे पहले मानव जनित जो विपदाएं हैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन देखो, मानव ने अपने लाभ के लिए अनेक क्या दिया है अनेक विपदाओं को क्या दिया है जन्म दिया है। साथियों विपदाओं का मतलब है जो कि पर्यावरण को क्या करती है इफेक्ट करती है, आने वाली पीढ़ी को जो भी रिसोर्सेस मिलने थे उनको क्या करती है इफेक्ट डालती है, तो इसे क्या कहते हैं इसे विपदा का नाम दिया गया है अपनी सब्जेक्ट में। देखो मानव क्या करता है अपने लाभ के लिए अनेक विपदाओं को क्या दिया है जन्म दिया है जो कि भविष्य के लिए क्या है हानिकारक है, क्या है हानिकारक है। जैसे मानव जनित अगर विपदाओं की बात करें तो सबसे पहले है न्यूक्लियर डिजास्टर, मतलब न्यूक्लियर डिजास्टर। देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो पहले है परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है ये पानी को भाप में परिवर्तित करने के लिए एक क्या है निर्वत वातावरण में परमाणु विखंडन के द्वारा क्या करता है उत्पन्न गर्मी का क्या करता है उपयोग करता है। अब जो परमाणु दुर्घटना है इससे उस जगह का तापमान क्या है अत्यधिक हो जाता है और जो कि जीवन की क्या कर देता है समाप्ति कर देता है। अब साथियों इससे क्या कर रहा है जो न्यूक्लियर डाइजेस्टर क्या होता है, देखो परमाणु ऊर्जा संयंत्र से क्या बनता है पानी भाप में क्या होता है परिवर्तित होता है और इससे परमाणु विखंडन होता है और ये क्या करता है उत्पन्न जो गर्मी है इसका क्या करता है यूज करता है। अब इस वजह से इस घटना की वजह से क्या होता है साथियों इस घटना की वजह से परमाणु दुर्घटना से वहां का टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो पहली विपदा क्या आ गई न्यूक्लियर डिजास्टर, कौन सी हो गई न्यूक्लियर डिजास्टर। इसके बाद में है सेकंड है केमिकल डिजास्टर, कौन सी है केमिकल डिजास्टर। इसमें देखो केमिकल डिजास्टर में क्या है किसी पदार्थ द्वारा संकट पैदा करना व अवांछित रूप से निकलने वाले जो रासायनिक पदार्थ होते हैं इनके होने से दुर्घटना क्या कहलाती है केमिकल डिजास्टर कहलाती है। इसमें विस्फोटक भी हो सकता है और विषाक्त पदार्थ भी हो सकते हैं जो हवा और जल में क्या हो जाते हैं मिश्रित हो जाते हैं जिनके कारण मानव बीमारियां चोट और क्या हो सकती है मृत्यु भी हो सकती है। जैसे केमिकल में क्या जाती है जैसे एग्रीकल्चर में अपन क्या लेते हैं केमिकल्स का अपने लाभ के लिए क्या कर रहे हैं यूज़ कर रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर में केमिकल्स का अपने लाभ के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब वो क्या है आने वाली पीढ़ी के लिए क्या है एक तो सॉइल को डैमेज कर रहा है और इसके अलावा जो स्वास्थ्य पर भी क्या कर रहा है विपरीत प्रभाव डाल रहा है, तो ये कौन सा हो गया केमिकल डाइजेस्टर। इसके बाद में है बायोलॉजिकल डाइजेस्टर, नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा बायोलॉजिकल डाइजेस्टर। देखो जैविक खतरे के अंतर्गत जो बैक्टीरिया है और जो वायरस
है या जो विषाक्त पदार्थ है ये क्या किए जाते हैं, ये जानबूझकर छोड़े जाते हैं, ये क्या है, बायोलॉजिकल डाइजेस्टर है, ये मनुष्य के अंदर प्रवेश करके क्या कर देते हैं, मनुष्य को क्या कर देते हैं, बीमार कर देते हैं, जिसके कारण मृत्यु भी उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद में आता है कॉल फायर आता है, और इसके अलावा फॉरेस्ट फायर आता है, ऑयल फायर आता है, और इसके अलावा अगर मानव की वजह से और भी अपन देखें तो एयर एक्सीडेंट आ जाता है, जो वायु में जो दुर्घटना होती है वो आ जाती है, रेल दुर्घटना आ जाती है, और इसके अलावा रोड एक्सीडेंट आ जाते हैं। ये सारे क्या है, मानव के द्वारा मानव जनित क्या है, विपदाएँ हैं। सारी समझ में आ गई। इसके बाद में देखो डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब इनका मैनेजमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं डिजास्टर का। देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट, आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण जो पहलू है वो पूर्ववर्ती और अंतर्वर्ती आपदा प्रबंधन है। देखो पूर्ववर्ती जो आपदा प्रबंधन है, इसमें जो जोखिम और जो शीघ्र चपेट में आने वाली जो स्थितियां हैं, इनसे मेल से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, जो कि समय और भौगोलिक दोनों चरणों में क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। अब इसमें देखो जोखिम जो प्रबंधन है, तीन घटक, मतलब पहचान, खतरा और कम करना। मतलब पहले तो जो पहचान, जो खतरा है उसकी पहचान करना, क्या खतरा है और इसको कम करना, इसके क्या है तीन घटक है। ये क्या है जो उत्तरवर्ती जो आपदा प्रबंधन है इसमें सम्मिलित होता है, और ये किसमें, पूर्ववर्ती जो आपदा प्रबंधन है इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद में देखो आपदा प्रबंधन का पहला चरण क्या है, खतरे की पहचान करना, कम करना और प्रबंधन करना। मतलब पहला चरण तो पहचान करना, दूसरा कम करना और तीसरा प्रबंधन करना। ये क्या है, मेनली तीन चरण है। किसके चरण है ये, अपने आपदा प्रबंधन के तीन चरण है। सबसे पहला हो जाएगा खतरे की पहचान करना, और दूसरा क्या हो जाएगा उसका, खतरे को कम करना, और इसके बाद में आ जाएगा उसका मैनेजमेंट करना। मतलब तीन इसके क्या हो गए, तीन इसके तरीके हो गए। कोई भी डिजास्टर है, जैसे मान लो साथियों मनुष्य कोई भी कार्य कर रहा है अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, अब उसको जैसे ही पता चलता है, जैसे ही अपनी गवर्नमेंट को पता चलता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इससे भविष्य में आने वाले हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं। अब इसका प्रभाव पड़ सकता है, अब इसके कारण क्या होता है, जैसे ही अपने को पता चलता है कि इसका प्रभाव पड़ सकता है, तो इसकी पहले तो खतरे की पहचान करते हैं, फिर इस खतरे को कम करने की कोशिश करते हैं, और फिर इसका क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये क्या करती है, जो भी आने वाली जो भी आपदाएं होती है उनको कम करने के लिए क्या होती है, ये महत्वपूर्ण होती है। देखो इसमें देखो सबसे पहले क्या है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की क्या है एजेंसी है, कौन सी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की क्या है, एक ऐसी एजेंसी है जिसका काम क्या है, प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित जो भी आपदा होती है, मानव की जनित जो भी आपदा होती है, उस पर आने वाले जो भी कार्य हैं उनमें समन्वय स्थापित करना और उनसे लड़ने के लिए क्षमता निर्माण करना है। मतलब कोई भी मानव जनित जो भी आपदाएं होती है उनका या तो मैनेजमेंट करना या उनमें समन्वय, मतलब उनका कैसे, जैसे उनका समन्वय उनको कम करना, या जैसे मान लो कोई भी उनका वैसे कोई भी उनका क्या हो सकता है, जैसे मान लो उनका मैनेजमेंट हो सकता है उसको, मतलब जो भी मनुष्य कोई काम कर रहा है, अब उस काम को करते हुए भी अगर मैनेजमेंट हो सकता है तो उस तरीके से करते हैं, या उस काम को क्या करते हैं, रोकते हैं। तो ये कौन सी है, ये अपनी है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA। अब इसके बाद में है रोल ऑफ NHOS इन डिजास्टर मैनेजमेंट। देखो स्वतंत्रता के बाद में एक क्या था, गैर सरकारी संगठन, जिसे क्या कहते हैं NHO शॉर्ट में, NHOS का क्या है, क्या इसका रोल है डिजास्टर मैनेजमेंट में। स्वतंत्रता के बाद में जो गैर सरकारी संगठन है, क्या है, गैर सरकारी संगठन है, और जो स्वास्थ्य
शिक्षा व पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं इनमें क्या करता है, समर्थन प्रदान करता है। क्या करता है? समर्थन प्रदान करता है। इसके बाद में देखो, प्राकृतिक व मानव निर्मित जो आपदा है इसको देखते हुए एनएचओ की शुरुआत की गई। जो प्राकृतिक और जो मानव निर्मित, एक तो नेचुरली क्या होती है, आपदाएं होती है, और एक क्या होती है, मानव निर्मित आपदाएं होती है, इनको देखते हुए किसकी शुरुआत की गई, एनएचओ की स्वतंत्रता के बाद में। साथियों आपने देखा होगा कि जैसे मान लो कोई भी बाढ़ आती है, कोई भी भूकंप आता है, उससे पहले नोटिफिकेशन मिल जाता है कि बाढ़ आने वाली है और क्या आने वाला है। जैसे मान लो भूकंप आने वाला, पहले नोटिफिकेशन मिल जाता है और उसका जो नियंत्रण करता है एक अलग प्रकार का क्या होता है, संगठन होता है, जो इस प्रकार के डिजास्टर का क्या करता है, मैनेजमेंट करता है। अब इसके बाद में देखो आगे की ओर, जो एनजीओ है ये क्या करता है, एनजीओ जन जागरूकता और आपदा पूर्व तैयारी और आपदा से क्या करता है, राहत दिलाता है। जो एनजीओस है ये क्या करता है साथियों, इसके अलावा और भी इसके मेन इंपॉर्टेंट कार्य है कि आपदा से पूर्व क्या कर देता है, जागरूक कर देता है, जो भी जनता है उसको जागरूक कर देता है आपदा से पूर्व तैयारी करने के लिए, और आपदा से क्या दिलाता है, राहत प्रदान करता है। क्या करता है, राहत प्रदान करता है। इसके बाद में देखो 2021-22 में क्वेश्चन पूछा गया था कि पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक और उपभोक्ता और अपघटक क्या है, मतलब प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स क्या है, और पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार को समझाइए। सबसे पहले देखो इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम क्या होता है। देखो कोई भी क्षेत्र है उसमें कार्य करने वाले बायोटिक होते हैं और एक क्या होते हैं, अबायोटिक। दो प्रकार के अंश होते हैं, इनके संपूर्ण का योग ही क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। मतलब कोई भी अपना क्षेत्र है वहां पर कार्य करने वाले बायोटिक है, अबायोटिक, दो प्रकार के अंश है। अब इनका संपूर्ण का योग ही क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। इसके बारे में देखो जो इकोसिस्टम है अपना क्या है, प्रकृति की एक क्या है, क्रियात्मक इकाई है। क्या है, क्रियात्मक इकाई है। इसके बाद में देखो जीवधारियों के किसी समुदाय में परस्पर पोषण संबंध क्या है, परस्पर पोषण संबंध क्या होते हैं, पाए जाते हैं, और किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को पोषण के पारस्परिक संबंध के आधार पर निम्न भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। उनके बीच में जो भी रिलेशन होता है, जो भी बायोटिक और एबायोटिक जो फैक्टर्स हैं उनके बीच में क्या होता है, आपस में रिलेशन होते हैं, उसके आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है उत्पादक, प्रोड्यूसर, फिर है कंज्यूमर, और फिर क्या है, अपघटनकर्ता या डिकम्पोजर्स। अब देखो सबसे पहले देखो कि अपना है उत्पादक या प्रोड्यूसर या इसे ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। इसमें हरे पेड़ पौधे और वे सभी वनस्पतियां आती है, वेजिटेशन आती है, जो कि सूर्य के प्रभाव की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करती है और इसके द्वारा क्या करती है, अपना भोजन बनाती है। इन्हें क्या कहते हैं, उत्पादक या मूल उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। इसके बाद में ये उपभोक्ता या कंज्यूमर्स, देखो कंज्यूमर्स क्या होता है या उपभोक्ता क्या होता है, इसके अंतर्गत वे सभी प्रकार के जीव जंतु आते हैं। यहाँ पर क्या आए थे, यहाँ पर हरी वनस्पतियां आई थी जो कि क्या, प्रकाश के कांटेक्ट में आकर सूर्य के कांटेक्ट में आकर क्या बना रही थी, प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण कर रही थी, भोजन का निर्माण किया यहाँ पर। तो ये क्या हुई, उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, किसके कॉन्टेक्ट में आकर, जो अपना सूर्य है उसके कॉन्टेक्ट में आकर प्रोड्यूस कर रही है। मतलब कैसे, जो हरी वनस्पतियां हैं वो हरी वनस्पतियां क्या कर रही है, प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण कर रही है, इसलिए इनको प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप्स या उत्पादक कहते हैं। इसके बाद में देखो उपभोक्ता क्या होते हैं, वे सभी प्रकार के जीव जंतु आते हैं जो कि क्या होते हैं, वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं। कैसे निर्भर होते हैं, वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं, मतलब प्रोड्यूसर पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। इस प्रकार के समस्त जंतुओं को निम्न तीन भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। ध्यान से समझना, कड़ी को कड़ी से जोड़ना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। कि पहला है प्रोड्यूसर, इसमें क्या होते हैं, क्या क्या शामिल होते हैं, वे पेड़ पौधे होते हैं जो कि क्या होते हैं, हरे होते हैं और सूर्य के कॉन्टेक्ट में आकर क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन का निर्माण कर दिए पहला कौन सा हो गया, प्रोड्यूसर, उत्पादन कर दिए। इसके बाद में आते हैं दूसरी जो कड़ी है वो कौन सी थी अपनी, कंज्यूमर।
कंज्यूमर क्या करते हैं, कंज्यूमर के अंतर्गत आते हैं जीव जंतु जो कि क्या करते हैं, हरे जो पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पतियां होती है, उन पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, उन पर निर्भर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कंज्यूमर या उपभोक्ता कहते हैं। और इन्हें तीन भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर्स, इन्हें क्या कहते हैं, शाकाहारी भी कहते हैं। वो ही है जो सही छोटी क्लासों में अपन ने पढ़ा था, क्या जो अपनी खाद्य श्रृंखला पढ़ा था, वो ही कॉन्सेप्ट है ये। देखो इसमें पहला आता है प्राइमरी कंज्यूमर्स या प्राथमिक उपभोक्ता, इसे क्या कहते हैं, शाकाहारी भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत समस्त क्या होते हैं, जीव जंतु आते हैं जो कि अपना भोजन मूल उत्पादक या पेड़ पौधों से क्या करते हैं, उत्पादित सॉरी ग्रहण करते हैं। इसमें क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता और जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है, ये ऐसे जीव जंतु है जो कि अपना कंप्लीट जो भोजन प्राप्त करते हैं वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, ओनली वनस्पतियों से करते हैं, फर्स्ट से करते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं और इन्हें शाकाहारी भी कहते हैं। इसके बाद में दूसरे आते हैं, इन्हें मांसाहारी प्राणी कहते हैं, और जो क्या होते हैं, जो शाकाहारी जीव जंतुओं को क्या करते हैं, खाते हैं। मतलब जो द्वितीय सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं वो किस पर निर्भर होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब ये शाकाहारी जीव जंतुओं को क्या करते हैं, खाते हैं, शाकाहारी जीव जंतुओं को खाते हैं। इसके बाद में देखो तृतीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता है, इसके अंतर्गत मांसाहारी प्राणी आते हैं और मांसाहारी प्राणियों को क्या करते हैं, खाते हैं। इसके अंतर्गत मांसाहारी तो क्या आते हैं, प्राणी आते हैं और मांसाहारी प्राणियों को खाते हैं। अब साथियों ये क्या होते हैं, द्वितीय में अंतर देखना, इसमें नहीं, इसमें ये किसको कहते हैं, शाकाहारियों को खाते हैं, ये किसको कहते हैं, मांसाहारियों को ही खाते हैं। तो मांसाहारी तो यही हुई है, ये स्वयं को थोड़ा ना खाएंगे, ये तो किसको खाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाएंगे। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट टॉप कंज्यूमर्स, क्या आते हैं, टॉप कंज्यूमर्स। इस श्रेणी के अंतर्गत वे सभी जीव जंतु आते हैं जो कि सभी वर्गों के मांसाहारी को मारकर क्या करते हैं, खाते हैं, परंतु उन्हें अन्य जो जंतु है वो मारकर नहीं खा सकते। मतलब ये टॉप क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, मतलब मांसाहारी होते हैं, कार्निवर्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, सभी मांसाहारी ऊपर वाले सेकंड को थर्ड को तीन दोनों को खा लेंगे, पर ये क्या होते हैं, इनको कोई नहीं खा सकता, इनको ऊपर वाले नहीं खा सकते। तो ये क्या है, टॉप लेवल के क्या है, कार्निवर्स या मांसाहारी है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपना डिकम्पोजर्स या अपघटक। देखो अपघटक क्या होता है, सबसे पहले इस श्रेणी के अंतर्गत मर्तोपजीवी जीवाणु या कवक आते हैं। इसमें क्या आते हैं, मर्तोपजीवी जीवाणु या कवक आते हैं जो कि पेड़ पौधों व जीव जंतुओं व मर्त कार्बनिक पदार्थों को सड़ा गलाकर विघटित करके सूक्ष्म व सरल कार्बनिक पदार्थों या अकार्बनिक यौगिकों में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। साथियों यहाँ ध्यान से समझना, डिकम्पोजिशन क्या है, ये जो भी मर्त कार्बनिक, जैसे मान लो कोई जीव जंतु है वो मर गए और कोई पेड़ पौधे हैं, उनको क्या करते हैं, उनको अपघटित करके और सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या करते हैं, बांट देते हैं या उसको सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित या चेंज कर देते हैं। देख लो दोबारा से ध्यान से देख लो, सबसे पहले अपन घटक पढ़ रहे थे, घटक में सबसे पहले देखे अपन कौन सा, प्रोड्यूसर्स मतलब ये प्रोडक्शन कर रहे थे, उपभोक्ता मतलब ये हरे पेड़ पौधों को क्या कर रहे थे, खा रहे थे, प्राथमिक में क्या आते हैं, शाकाहारी आते हैं, और द्वितीयक में ये शाकाहारियों को खाते हैं, और तृतीयक में ये किसको खाते हैं, द्वितीयक को खाते हैं, और ये टॉप वाले द्वितीयक को भी खाते हैं, तृतीयक को भी खाते हैं, और अपघटक में जो कवक वगैरह मर्तोपजीवी जीवाणु होते हैं जो कि पेड़ पौधों को और जीव जंतुओं को क्या करते हैं, अपघटित करते हैं, क्या करते हैं, अपघटित करते हैं। इसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, क्या आता है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में वो आ जाएंगे वन पारिस्थितिकी, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी, खाद्य पारिस्थितिकी, नदी पारिस्थितिकी, तालाब पारिस्थितिकी और झील पारिस्थितिकी। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर,
आगे हैं प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार और भारत सरकार द्वारा उनके संरक्षण के प्रकारों को समझाइए। मतलब सबसे पहले अपने को पढ़ना है प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार, इसके बाद में अपने को पढ़ना है उनके संरक्षणों के जो प्रयास किए गए भारत सरकार के द्वारा, संरक्षण के जो प्रयास किए गए हैं उनको अपन देखते हैं और 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं साथियों पानी वगैरह पीने के लिए, फिर इसके बाद में देखते हैं अपन आगे की ओर। अब चलते हैं साथियों आगे की ओर। आगे अपना क्वेश्चन था प्राकृतिक संसाधन जो नेचुरल रिसोर्सेस है, कौन से हैं नेचुरल रिसोर्सेस, और ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है इनके टाइप्स पढ़ने हैं और इसके बाद में क्या पढ़ने हैं, इनको क्या क्या संरक्षण दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, इनके कंजर्वेशन के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए साथियों सबसे पहले हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं इनकी डेफिनेशन, सबसे पहले देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं इनकी डेफिनेशन। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो कि प्रकृति के द्वारा क्या होते हैं निःशुल्क क्या किए जाते हैं,
प्रदान किए जाते हैं और जो कि मनुष्य के लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। मतलब ये जो प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं ये क्या होते हैं, प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, मतलब प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं, वो भी कैसे, निःशुल्क तरीके से दिए जाते हैं और जो मनुष्य के लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं, मनुष्य उनका यूज कर सकता है किसी भी काम में, सही। अब इसके बाद में देखो कि पृथ्वी द्वारा स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, दिया गया ऐसा पदार्थ है जबकि जो मानवीय क्रियाएं होती है इनके घेरे में आ जाता है, इसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। साथियों मैं सीधा सा बता देता हूँ कि प्रकृति के द्वारा दिए हुए क्या होते हैं, ये रिसोर्सेस होते हैं, संसाधन होते हैं जो कि मानव के लाभ के क्या होते हैं, काम में ये आते हैं, मुख्यतः मानव के हित में क्या आते हैं, काम में आते हैं। सबसे पहले देखें कि कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं। सबसे पहला होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेस। कौन सा होता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस, जिनको क्या कर सकते हैं, वापस से रिन्यू कर सकते हैं, मतलब इनको परिवर्तित, मतलब वापस से बना सकते हैं इनको, नॉन रिन्यूएबल मतलब इनको नहीं बना सकते, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और अपरिवर्तनीय संसाधन, और इसके बाद में दुरुपयोगी संसाधन, इसके बाद में साधारण में असाधारण संसाधन, खनिज संसाधन और जो धातु वगैरह होती है, तो ये किसमें आते हैं, धात्विक संसाधन में, अधात्विक संसाधन और शक्ति के साधन। इसके बाद में देखो आगे की ओर, सबसे पहले देखो रिन्यूएबल, जिनको मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि वे संसाधन जो पुनः है उपयोग में लाए जा सकते हैं और इनका जो निर्माण है वो क्या होता रहता है, निरंतर होता रहता है, और इसके अंतर्गत जो प्राकृतिक जो क्रियाएं होती है इनसे संबंधित क्या होते हैं, जो संसाधन आते हैं, जैसे जल हो गया और सौर ऊर्जा हो गई, पवन शक्ति हो गई, मृदा हो गई, वनस्पति हो गई, ये सारे किसमें आते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेस में आते हैं। फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है जो कि उसका जस्ट अपोजिट है कि इनको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता, एक बार नष्ट होने के बाद में ये दोबारा से नहीं बन सकते, और अगर बनते भी है तो हजारों करोड़ों वर्ष का क्या लग जाता है, समय लग जाता है। और इसके बाद में है कि ये क्या है, लिमिटेड सोर्स है, मतलब एक निश्चित मात्रा में ये अवेलेबल है। फिर इसके बाद में है इसका मतलब जो नॉन रिन्यूएबल है इसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है अपना अपरिवर्तनीय संसाधन। कौन से हैं अपरिवर्तनीय संसाधन, कि वे संसाधन जिनमें मनुष्य की गतिविधियों से कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, जैसे आण्विक शक्ति हो गई, वायु हो गया, जवार शक्ति हो गई, इनमें किसी प्रकार का मानव की गतिविधियों से कोई प्रभाव नहीं होता या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसके बाद में आता है दुरुपयोगी संसाधन। कौन से आते हैं दुरुपयोगी संसाधन, वे संसाधन जिनमें मनुष्य की गतिविधियों का क्या होता है, परिवर्तन की क्या होती है, संभावना रहती है, जैसे ही मनुष्य क्या करेगा इनमें गतिविधियां करेगा इन संसाधनों के साथ में, तो उनमें परिवर्तन की क्या रहती है, संभावनाएँ रहती है, और जिनका उपयोग न होने पर ये क्या हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, जैसे सौर्य शक्ति हो गया, वायुमंडल हो गया, जलमंडल हो गया। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट अपने आता है कि कंजर्वेशन। क्या आता है, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन की मतलब, इसका मतलब है कि साथियों जो अपना क्या है, जो अपना जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जो कि अपने पास में संसाधन है, इन संसाधनों को संरक्षण किस प्रकार से प्रदान किया गया है, जो अपनी भारत सरकार है, इस भारत सरकार ने कौन कौन से ऐसे अधिनियम चलाए हैं या क्या क्या इसने प्रयास किए हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो किसी भी संसाधन को समाप्ति या समाप्ति के कगार पर होने से उसको बचाना ही क्या कहलाता है, कंजर्वेशन। भारत सरकार ने संरक्षण के लिए अनेकों योजनाएं तथा एनजीओ बनाए, क्या बनाए हैं, एनजीओ बनाए हैं, जो कि प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उनको बचाए रखने के लिए क्या होते हैं, मुख्यतः सहायक होते हैं। सबसे पहला वन संरक्षण अधिनियम। क्या है वन संरक्षण अधिनियम, ये वनों को काटने या वनों को सुरक्षित रखने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। भूमि संरक्षण, जो कि जो भूमि की जो उर्वरता है और भूमि को बंजर होने से क्या करते हैं, रोकते हैं, ये भूमि संरक्षण हो गया। इसके बाद में जल संरक्षण, ये वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये क्या की गई है, विभिन्न प्रकार की योजनाएँ चलाई गई है भारत सरकार के द्वारा। इसके बाद में है वैश्विक तापमान क्या है, और वैश्विक तापमान के जो जलवायु परिवर्तन है इस पर क्या प्रभाव है,
मतलब आप साथियों इसमें तो एग्रीकल्चर वाले हो आप, इसमें तो बताने की मेरे हिसाब से ज़रूरत ही नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, मतलब विभिन्न गैसों के कारण जो अपना जो भी पृथ्वी है वहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, और इसके कारण जलवायु परिवर्तन पर क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा तापमान बढ़ रहा है, और जो भी क्रियाएँ हैं जैसे मानसून वगैरह है इनमें क्या हो रहा है, इनका टाइम वगैरह चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है उस पर प्रभाव पड़ रहे हैं। साथियों एक बार मैं माइक को चार्ज लगा लेता हूँ। अब साथियों चलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इसके जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। साथियों ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जो अपना वायुमंडल है इसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, इंक्रीज होता है, और इसके कारण जलवायु में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जलवायु का समूह जैसे ऋतुएँ हैं, ऋतुओं का भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे टाइम क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहा है, तापमान में कमी आ रही है, आर्द्रता तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, आर्द्रता वगैरह ये क्या हो रहा है, सारे जो कारक है, सारे जो फैक्टर से जलवायु के वो सारे क्या हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। देखो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, पृथ्वी पर पहुंचने वाली जो कुल सौर विकिरण है इनका जो 75% भाग है ये तल द्वारा क्या कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है, जिससे पृथ्वी क्या रहती है, गर्म रहती है, और बची उष्मा वायुमंडल में क्या चली जाती है, वापस से चली जाती है, इसे क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। देखो उष्मा का कुछ भाग ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है, और इसके बाद में है इसकी मात्रा में दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ने में वैश्विक तापमान में दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ रही है, जिसे क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, मतलब तापमान में बढ़ोतरी की समस्या देखने को मिल रही है, इसी को क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसका मुख्य कारण देखें तो वो क्या है, ग्रीन हाउस गैसें, जो कि मैंने डेफिनेशन के टाइम भी आपको बता दिया था। फिर है क्लाइमेट चेंज पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, इससे क्लाइमेट चेंज पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, जैसे 20वीं शताब्दी के तापमान में 0.60 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या हुई, बढ़ोतरी दिखी, और सन 1980 के बाद में 2003 का औसत तापमान सबसे अधिक देखा गया। सन 1980 के बाद में सबसे ज़्यादा मई 2003 का औसत तापमान सबसे अधिक देखा गया, और तापमान रिकॉर्ड के अनुसार 3 वर्ष अधिक गर्म, मतलब कौन से थे, वो थे 1998, 2001 और 2002 क्या थे, सबसे अधिक गर्म थे। इसके बाद में देखें पृथ्वी पर विषम तापमान के कारण आपदाओं में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, आपदाओं में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तापमान में गड़बड़ाहट के कारण, मतलब ऊपर नीचे होने के कारण। इसके बाद में है वायुमंडल में आर्द्रता क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, जिससे वर्षा व हिमपात में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, मतलब जो अपने क्या है पहाड़ वगैरह है, या जहाँ पर क्या थी बर्फ जमी हुई थी, जहाँ पर क्या थी बर्फ जमी हुई थी, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, पिघल रही है, और इसके कारण क्या हो रहा है, जो हिम पर जो पात, मतलब जो बर्फ के रूप में जो जल था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। इसके बाद में देखो आगे की ओर है, अपने को है बाढ़ और भूस्खलन को क्या करना है, परिभाषित करना है, और इनके जो प्रभाव है इनको संक्षिप्त में बताना है। सबसे पहले देखो कि ऐसी आपदा जो प्रकृति द्वारा क्या होती है, घटती है, इन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। अब इसके बाद में देखो फ्लड्स या बाढ़ क्या होती है, किसी भी भूभाग पर लगातार कई दिनों तक क्या आती रहती है, बारिश आती रहती है, तो वो क्या हो जाता है, जलमग्न हो जाता है, और जब नदियां अपने तटों को लांघकर समीपवर्ती क्षेत्रों में क्या करती है, जैसे कोई नदी है यहाँ अपने ना जो क्षेत्र है उसको लांघकर समीपवर्ती क्षेत्रों में जाती है, वहां पर शामिल हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, फ्लड्स या बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में क्या किया जाता है, इसको शामिल किया जाता है। इसके बाद में देखो नदियों के बहिकाओं में अथवा सागरीय जल के ऊंचे हो जाने से जो भूभाग है वहां पर क्या हो जाता है, सामान्यतः जलमग्न हो जाता
जाता है और जलमग्न होने से ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, बाढ़ कहा जाता है। मतलब नदियों के आसपास का, समुद्र के आसपास का जो क्षेत्र होता है, भूभाग होता है, वहाँ पर क्या हो जाता है, जलमग्न हो जाता है। अगर बाढ़ के कारण देखें तो सबसे पहले है कि अत्यधिक वर्षा और बादलों का फटना। इसके बाद में बाढ़ के नियंत्रण के उपाय देखें तो वृक्षारोपण करना, बांध बनाना, जलाशय व नदियों का संरक्षण करना, इसके अलावा अवरोध इष्ट का करना, और इसके बाद में अवरोध को दूर करना और सफाई करना। इसके बाद में है नेक्स्ट अपने प्रभाव क्या होते हैं, इससे जीव जंतु वगैरह क्या हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं, अर्थव्यर्थ हो जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं। कृषि विकास हो जाती है, जैसे कोई नदी है उसके आसपास में भूभाग में क्या थी, खेती थी, वो क्या हो जाती है, बिल्कुल नष्ट हो जाती है। जनजीवन का भी कभी कभी क्या होता है, गाँवों में बहुत तेजी गति से क्या हो जाता है, पानी प्रवेश कर जाता है, जिससे जन जीवन का भी क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। और आर्थिक तंगी आना, मतलब जैसे मान लो कई इलाके तो ऐसे होते हैं साथियों, अभी तक पता नहीं है कि जहाँ पर पिछड़े इलाके होते हैं वहाँ पर गाँवों में एक गाँव से दूसरे गाँव में जाने का रास्ता ही नहीं होता है बारिश के टाइम में, तो ऐसी स्थितियाँ भी वहाँ पर क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। अब इसके बाद में है लैंडस्लाइड या भूस्खलन, किसके बारे में देखते हैं, भूस्खलन। भूस्खलन का मतलब क्या होता है, भूकंप का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी पर होने वाला अचानक कंपन, जिससे भूमि जोर से क्या करने लगती है, कंपन करने लगती है। भूकंप क्या है, पृथ्वी पर होने वाला अचानक कंपन जिससे भूमि की ओर जोर से क्या लगता है, कंपन लगता है। और इस तरह है भूमि कंपन के कारण बड़ी बड़ी इमारतें मिनटों ही में क्या हो जाती है, गिरकर क्या हो जाती है, ढेर हो जाती है। और भूकंप प्रकृति ऐसी आपदा है जो कि क्या होती है, एक अचानक होती है, पहले इसका किसी को मालूम नहीं होता है। लैंडस्लाइड के बारे में देख लिए, अब इसके बाद में देखो इसके उपाय क्या है। देखो भूकंप जैसे ही आता है तो इससे क्या हो जाता है, सब कुछ बिखर जाता है, और हम भूकंप को रोक तो नहीं सकते, पर हम भूकंप की प्रभावी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भूकंप जो रोधी होते हैं, वो मकान होते हैं, वहाँ पर निर्माण करवाना चाहिए। मतलब भूकंप रोधी मकानों का निर्माण करवाना चाहिए। जैसे मान लो कोई इलाका है जो कि ऐसे लगे कि भूकंप से ग्रसित हो सकता है, तो वहाँ पर भूकंप रोधी मकानों का निर्माण करना चाहिए। जिस क्षेत्र में भूकंप आया है वहाँ पर जो क्षेत्र है वहाँ पर हमें जल्द से जल्द चिकित्सीय सुविधाएं भेजनी चाहिए। और जब भी अपने को ऐसे लगे ना कि भूकंप कंपन हो रहा है, तो जब घरों से क्या निकल जाना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए। और इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट पीडीएफ की ओर। अपनी ये पीडीएफ कंप्लीट होती है, इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पीडीएफ की ओर। देखो सबसे पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि न्यू ईयर पर ऑफर आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है जल्दी से, और अपने सारे कोर्सेस ब्राइट एग्रो क्लासेस के जितने भी कोर्सेस हैं उन सभी कोर्सेस पर क्या है साथियों, ऑफर चल रहा है, और आज से ही स्टार्ट हो गया, आज से ही ऑफर स्टार्ट हो गया है। कितने दिनों के लिए है, 3 दिन के लिए है, 30 तारीख, 31 तारीख और 1 तारीख। ओनली 30 तारीख, 31 तारीख और 1 तारीख। अगर किसी स्टूडेंट को कंप्लीट फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स चाहिए तो उसको 599 में, कितने में मिलेगा, 599 में मिलेगा। अगर किसी स्टूडेंट को कंप्लीट स्टेटिक्स का, जो कि मैंने बताया था क्या, उसमें 6 से 8 घंटे की क्लासेस और पेपर सॉल्यूशन आसान भाषा में बताया गया है, वो कितने का है, वो पहले 100 रुपये का था, अब ओनली कितने में अवेलेबल हो रहा है, 79 में अवेलेबल हो रहा है, ओनली 79 में। अच्छी प्रकार से तैयारी कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स लालच कर लेते हैं कि मैं तो ये नहीं दूंगा, कि मैं तो फ्री से ही पढ़ लूंगा। तो साथियों जब 750 रुपये आप वहाँ पर देते हो, जब आप बैग की फीस देते हो वहाँ पर नहीं देते हो, और यहाँ पर ओनली 79, जो कि आपको GST चार्ज और सर्वर चार्ज, मात्र आपसे GST चार्ज और सर्वर चार्ज लिया जा रहा है, उसमें भी आपको किसी पर प्रेशर नहीं है। जिस स्टूडेंट को बैग निकालनी है, पर एक बार स्टूडेंट्स के पास में ज़रूर पहुँचाना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं, उन तक समय पर कोई को अपना जो कॉन्सेप्ट होता है वो नहीं पहुंच पाता है, फिर अगले साल उनके बैक आ जाती है और वो पछतावा करते हैं एक तरह से कि सर पहले ही मैं जुड़ जाता इस अपने
प्लेटफॉर्म से। तो साथियों, ये जो अपना स्टेट का है वो कंप्लीट कितने का है, वो अपने 79 का है। और अगर किसी स्टूडेंट को मैथ का चाहिए कंप्लीट कोर्स, तो वो क्या है 299 में, कितने में है, मात्र 299 में। और ये कितने दिन के लिए है, 30, 31 और 1 तारीख तक के लिए है ओनली। इसके बाद में देखो, अपने अगर किसी स्टूडेंट को क्या चाहिए, कंप्लीट एंटो का चाहिए, एंटो का चाहिए, तो उसके लिए कितने में है, 69 में। और कंप्लीट फर्स्ट सेमेस्टर का मैंने बताया 599 में। और इसके अलावा अदर कोर्सेज चाहिए कि किसी स्टूडेंट को, एंटो का चाहिए, किसी को बायोकेमिस्ट्री का चाहिए, फर्स्ट सेमेस्टर की कोई भी सब्जेक्ट का चाहिए, सभी का मिल जाएगा। कितना है, 20% ऑफ है, मतलब वो 79 में सारे मिल जाएंगे। जैसे एक पर सब्जेक्ट, जैसे किसी को फॉरेस्ट्री का चाहिए, वो 79 में मिल जाएगा। तो ये आपके लिए खुशखबरी थी, एक बार जरूर आपके लिए। तो मेनली तो क्या है, स्टेट और बाकी जो स्टूडेंट्स है, जैसे किसी के मैथ बैक है तो आपके लिए मैथ है, अभी से लेकर रख सकते हो, अभी से लेकर रख सकते हो। इसके बाद में इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी 1 तारीख बाद में, अभी मैंने अच्छी प्रकार से बता दिया। बाद में स्टूडेंट्स कॉल करते हैं कि सर ऑफर चल रहा था, ऑफर अभी ओनली 3 दिन में चल रहा है साथियों। तो एक बार जरूर अपने जो जूनियर्स वगैरह है उनको जरूर आप बोलना, और इसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, और कोई भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी चाहिए वो आप बता सकते हो। मात्र कितना टाइम है, मात्र 72 आवर्स है, कितने हैं, 72 आवर्स है। और साथियों, इसमें किसी प्रकार की देरी मत करना, अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ना है बढ़िया तरीके से तो आराम से। और मैंने कहा था ना, उन स्टूडेंट्स को कमेंट्स जरूर करने हैं जो कि स्टेट का कोर्स ले रखे हैं, और फीडबैक जरूर दीजिए, चाहे कैसा भी फीडबैक आए वो फीडबैक जरूर देना है। वो नेगेटिव स्टूडेंट्स नहीं, जो कि कोर्स भी नहीं ले रखे हैं नेगेटिव कमेंट करते हैं, कुछ होते हैं जो स्टूडेंट्स ले रखे हैं, अपनी ईमानदारी को दिखाते हुए कमेंट जरूर करना। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे अपना है पेपर सॉल्यूशन 2022-23 का, कौन सा है, 2022-23 का है। सबसे पहले है फूड वेब, मतलब जो अपनी खाद्य जाल होता है वो क्या होता है, सॉरी खाद्य जाल क्या होता है। देखो, इसमें मैंने बताया था, अभी पहले भी आपको समझा दिया था, इसमें क्या होता है, खाद्य जाल में जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इसकी जो सभी खाद्य जो श्रृंखलाएं होती है वो क्या होती है, सम्मिलित होती है। इसमें खाद्य जाल में क्या होती है, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं क्या होती है, शामिल होती है। और प्रत्येक खाद्य श्रृंखला में एक क्या होता है, संभावित मारक होता है, क्या होता है, संभावित मारक होता है, जिस पर ऊर्जा और पोषक तत्व पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से आगे क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं, आगे क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। और यह ऊर्जा के स्थानांतरण को दर्शाता है। जो खाद्य जाल है वो क्या करता है, वो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, इसके स्थानांतरण को दर्शाता है। और खाद्य जाल से अपने को पता चलता है कि कौन से जीव क्या खाते हैं, कौन से जीव किस चीज का भक्षण करते हैं, ये अपना है खाद्य जाल। इसके बाद में पॉल्यूशन की डेफिनेशन आपकी आ गई है। इसके बाद में आती है नेक्स्ट डेफिनेशन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो, यह एक विश्लेषणात्मक क्या है, पैरामीटर है। क्या, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, एक विश्लेषणात्मक क्या है, पैरामीटर है, जो कि एक विशिष्ट समय अवधि में एक विशिष्ट तापमान पर पानी के नमूने पर जो मौजूद जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनमें बढ़ने वाली जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, इनके द्वारा जो उपयोग ली जाने वाली जो घुलनशील ऑक्सीजन है, इसकी मात्रा का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। कौन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। अब इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। ये कौन करता है प्रतिनिधित्व, ये करता है एरोबिक बैक्टीरिया। कौन सा करता है साथियों, एरोबिक बैक्टीरिया करते हैं। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे अपना है साइक्लोन की डेफिनेशन पूछा गया है। किसकी, साइक्लोन की डेफिनेशन, जो कि पहले अपन ने चर्चा कर ली है, चक्रवात क्या होते हैं। इसके बाद में आता है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है वनोन्मूलन, मतलब वनों को क्या करना, हटाना। इसमें क्या होता है, वनों को, पेड़ों की कटाई और पेड़ों को जलाना क्या होता है, सम्मिलित होता है, जिससे क्या होता है, जो बायोडाइवर्सिटी होती है इसको क्या होता है, नुकसान पहुँचता है। क्या होता है, नुकसान पहुँचाता है। अब इसके बाद में देखो, एक तो रिस्क के बीच में, एक रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल, इनके बीच में अंतर तो आपको बता ही दिया था। अब इसके बाद में देखो, एक रिस्क है और एक हैजार्ड है। रिस्क और हैजार्ड में क्या देखना है, अंतर देखना है।
खतरा वह चीज है जिसमें नुकसान पहुंचने की क्षमता हो, मतलब खतरा क्या होता है जिसमें नुकसान पहुंचने की क्या हो, क्षमता हो, और जोखिम क्या होता है, जोखिम उस नुकसान के घटित होने की संभावना है, ये क्या है, संभावना है। इसके बाद में देखो, आप खतरे को कम नहीं कर सकते, आप खतरे को कम नहीं कर सकते, लेकिन आप जोखिम को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो, और सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, ये मुख्यतः क्या होता है, नकारात्मक परिणामों से जुड़ा हुआ होता है। अब इसके बाद में है वन संरक्षण अधिनियम कौन सा है, 1980, कौन सा है साथियों, 1980। ये क्या होता है साथियों, वन संरक्षण अधिनियम, सबसे पहले मैं इसमें मेन मेन चीजें बताऊंगा, ऐसे नहीं कि पूरी थ्योरी आपको बताने बैठ जाऊंगा, क्योंकि आप सभी को भी पता है कि वन संरक्षण नियम मतलब वनों को संरक्षित करने के लिए उनका कटाई वगैरह नहीं हो, इसके लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू किया गया था। देखो, भारत की संसद के द्वारा एक क्या है, अधिनियम है, जो कि वन और जो वन के जो संसाधन है इनके संरक्षण को क्या करता है, सुनिश्चित करता है, और इसे जो भारत में जो वनों की जो कटाई चल रही है इसको नियंत्रित करने के लिए भारत संसद द्वारा क्या था, अधिनियम पारित किया गया, और यह है 25 अक्टूबर 1980 को 5 खंडों के साथ क्या हुआ, लागू हुआ। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट है पर्यावरण जो मंत्रालय है, इसमें 1980 में भविष्य के जो संसाधन है उनको उल्लेखित करने के लिए समाचार जो रिपोर्टें होती है उनके बीच में और अधिनियम और प्रावधान वर्तमान जो मामले हैं उनके परिप्रेक्ष्य के महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखो, इसका मेनली यही है कि जो वनों की कटाई वगैरह हो रही है इनको नियंत्रित करने के लिए संसद, भारत की जो संसद है इसके द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया, जो कि कब लागू हुआ, 25 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ। अब इसके बाद में देखो आगे की ओर, आगे अपने हैं कि पर्यावरण अध्ययन का विस्तार और महत्व, मतलब स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी, मतलब इन्वायरमेंटल स्टडी का क्या तो स्कोप है, क्या महत्व है। अब साथियों, आप सभी को पता है कि जो इन्वायरमेंटल है इसकी स्टडी का क्या महत्व है, क्या बहुत ज़्यादा महत्व है, प्रदूषण का अपन देखते हैं, प्रदूषण को कैसे कम किया जाता है, और इसके अलावा जो अपने नेचुरल रिसोर्सेस है इनको किस प्रकार से संरक्षण किया जाए, और जो वनों की कटाई किस प्रकार से रोकी जाए, वो सारी चीजें इसमें अध्ययन करते हैं, तो इसका क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्व है। देखते हैं सबसे पहले क्षेत्र या स्कोप, मतलब जो अपने पर्यावरण अध्ययन है इसका क्या क्षेत्र है, क्या इसका स्कोप है। देखो, स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंट्स, मतलब इसमें क्या करते हैं अपन, जो पर्यावरण है इसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं और प्रायोगिक कार्य करते हैं, जैसे जंतु विज्ञान है, और इसके अलावा चिकित्सा विज्ञान है, इसमें क्या करते हैं विभिन्न दवाइयों के परीक्षण के लिए जो मछली, मेंढक वगैरह, गिनोपिया है, इनका क्या करते हैं बहुतायत किया जाता है, मतलब इनका प्रयोग किया जाता है, जिससे जो जातियाँ जो लुप्त हैं इनकी संकट मंडराना क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है, और इससे जो पर्यावरण के जो विद है मतलब जो वैज्ञानिक है इनको क्या कर दी है, चेतावनी देना शुरू कर दी है कि अगर जंतुओं का यूज इसी प्रकार से होता रहा तो अब दिन दूर नहीं है जो कि प्राणी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार का एक तो ये पहला कौन सा हो जाएगा, अध्ययन और प्रायोगिक कार्य, दूसरा हो जाएगा कृषि कार्य, दूसरा क्या हो जाएगा कृषि कार्य, जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या है अब इसको खाद्य की क्या करवानी है, आपूर्ति करवानी है, तो कृषि उपज को बढ़ाने के लिए भी क्या किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, वो कैसे, पर्यावरण का अध्ययन करेंगे कि पर्यावरण कौन सा पर्यावरण उपयुक्त है कृषि के लिए, तो इसका क्या किया जा रहा है, इसमें भी स्कोप है। इसके बाद में है शहरीकरण, क्या है शहरीकरण, मतलब जैसे मान लो कि अपने जो गांवों से शहरों की ओर क्या कर रहे हैं, ज्यादातर पलायन कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं, इसका भी पर्यावरण से रिलेटेड क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसके बाद में देखो अंतरिक्ष और पर्यावरणीय अध्ययन, मतलब इसमें क्या करते हैं, स्पेस का क्या करते हैं, जो अपना अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष पर किस प्रकार से अपन जीवन को स्थापित कर सके, वहां का वातावरण वगैरह क्या है, पर्यावरण वगैरह क्या है, उसका क्या करते हैं अध्ययन करते हैं। इसके बाद में देखो
औद्योगिक संयंत्र और जो पर्यावरण है, मतलब इंडस्ट्री और एनवायरमेंटल में क्या रिलेशन है, इसका भी क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसके बाद में है विकास, डेवलपमेंट और विकास, इन दोनों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, मतलब ये भी क्या है, इसका स्कोप है। फिर इसका आ जाता है महत्व, क्या आ जाता है, महत्व। महत्व में देखो सबसे पहले जो पर्यावरण अध्ययन है इसमें जीवन वनों का क्या करता है, महत्व को स्पष्ट करता है। जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या है, अब इसके कारण वनों की कटाई क्या हो रही है, तेजी से हो रही है, जिससे सूखा, प्रदूषण और मौसम की क्या हो रही है, अनियमितता जैसी क्या हो रही है, समस्याएं जन्म ले रही है। अतः वनों के संरक्षण के लिए सुंदरलाल क्या है, बहुगुण के नेतृत्व में, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाया गया था। इन सब के बारे में पर्यावरण अध्ययन के द्वारा ही अपने को क्या होता है, इनके योगदान के का पता चलता है। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन का खुले रूप से पशुपालन से होने वाले जो हानियां हैं और ग्रामीणों का जो अध्ययन आकर्षित है, इनका चारागाह है विकसित करने को क्या करता है, प्रेरित करता है। नेक्स्ट है बढ़ती जो जनसंख्या है और कम होते जो वन वृक्ष है, इनको दिनों दिन क्या कर रहे हैं, या प्रदूषण की क्या कर रहे हैं, समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, जिसके कारण पर्यावरण अध्ययन क्या है, छात्रों के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, बेनिफिशियल है। समाज की प्रगति के लिए और जो कल कारखाने होते हैं इनकी समस्याओं का ज्ञान क्या होता है, अपने को पर्यावरण अध्ययन से मिल पाता है। तो ये क्या है, मुख्यतः है इसके इम्पोर्टेंस है। फिर है नेक्स्ट अपने हैं आपदा प्रबंधन में एनजीओ की भूमिका। आपदा प्रबंधन में एनजीओ की भूमिका क्या है, ये वैसे तो पहले बता दिया है मैंने कि आपदा प्रबंधन क्या करता है, जो कि मान ले जो भी क्या है अपने जो जहाँ पर मान लो कोई आपदा आने वाली है, कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आपदा आने वाली है, वहाँ पर आपदा आने से पहले ही क्या कर दिया जाता है, लोगों को सूचित कर दिया जाता है कि वो यहाँ पर आपदा आने वाली है, यहाँ पर पहले ही आपको क्या करने चाहिए, बचाव करने चाहिए, वो चाहे कैसी भी आपदा हो, तो उसे बचाने का भी कार्य करते हैं और उसके प्रति सूचना देने का भी क्या करते हैं, ये एनजीओ कार्य करते हैं। तो ये पहले वैसे मैंने बता दिया था। और इसके अलावा मैं बताऊँ तो वहाँ पर जैसे मान लो कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर आपदा है आ गई है, कोई डाइजेस्टर आ गया है, तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, कोई भोजन वगैरह अवेलेबल करवाते हैं जब वहाँ के जो लोग हैं, मतलब ये सारे काम आपदा से रिलेटेड करते हैं। तो इसकी एक बार रीडिंग आप मार लेना। फिर इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर, पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए और विभिन्न प्रकार के जो पारिस्थितिकी जो तंत्र है इनके बारे में बताए हुए और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को विस्तार से समझाइए। वैसे पारिस्थितिकी तंत्र की डेफिनेशन भी देख ली थी और विभिन्न प्रकार के नाम भी देख लिए थे, पर इनके वर्णन के बारे में अपन ने चर्चा नहीं की थी। अब देखो सबसे पहले है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग एजी टेंसले ने 1935 में किया। और जो अपना होता है जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है ये क्या होता है, जैविक और अजैविक घटकों के बीच में एक रिलेशन होता है, उसका अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। वो क्या होता है, इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो क्या है, सौर ऊर्जा। क्या है साथियों, और सौर ऊर्जा है, सोलर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, किसमें, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत। अब इसके बारे में देखो पारिस्थितिकी तंत्र की मुख्य विशेषताएं, ये क्या होता है, बायोटिक और एबायोटिक घटकों से क्या होता है, निर्मित होता है, यह स्थान को घेरता है या अत्यंत रूप से यह क्या होता है, अति विशाल हो जाता है। इसके बाद में देखो यहाँ खुला तंत्र और विवर्त होता है। और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा घटक के रूप में सौर विकिरण का क्या है, सर्वाधिक महत्व होता है। अब इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर, जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसकी संरचना या घटकों की बात करें तो इसके घटक मेनली क्या है, पहला आता है बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा आता है अबायोटिक कंपोनेंट, तीसरा आता है ऊर्जा के घटक या एनर्जी कंपोनेंट। सॉरी साथियों, अब देखते हैं आगे की ओर, घटक देख लो। सबसे पहले हैं पारितंत्र के घटक या इकोसिस्टम के घटक, अजैविक घटक और जैविक घटक। जैविक में आ जाएंगे उत्पादक, जो कि अपन ने पहले चर्चा कर ली है, उत्पादक आ गए। फिर इसके बाद में उपभोक्ता आ गए और अपघटक, मतलब प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और इसके बाद में डिकम्पोजर्स।
मतलब इसमें हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे फिर इसमें जंतु होते हैं वो इनको खाते हैं, अपघटक इन दोनों का क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। इसके बाद में अजैविक घटक में देखो भौतिक कारक, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। भौतिक कारक में तापमान, आर्द्रता और प्रकाश और वायुमंडलीय दाब। अकार्बनिक में जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। फिर अकार्बनिक पदार्थ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये क्या हो जाएंगे, पारितंत्र के घटक या कंपोनेंट हो जाएंगे। अब इसके बारे में देखो, इसके बारे में अपने को कंपोनेंट्स तो देख लिए अपन ने। इसके अलावा जो अपना इकोसिस्टम था इसके टाइप्स के नाम पहले मैंने बता दिया, अब अपने को क्या पूछ रहा है, अपने को समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूछ रहा है। तो समुद्री पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है वो पृथ्वी का जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें क्या है, सबसे बड़ा है। कौन सा, समुद्री, चाहे वो नदी पारिस्थितिकी तंत्र हो, झील वाला हो, उनमें सबसे बड़ा कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। और इसमें ऐसे पानी में मौजूद है जिसमें नमक की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। और ये प्रणालियां मीठे पानी के जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसके क्या है, विपरीत है, जिसमें नमक की मात्रा क्या होती है, कम होती है। और समुद्री जल होता है वो पृथ्वी की सतह पर क्या है, 70% या 70% से क्या होता है, अधिक होता है। इस हिस्से को क्या करता है, कवर करता है। अब पृथ्वी की जो 97% क्या है, अधिक जल की आपूर्ति और पृथ्वी पर 90% रहने योग्य स्थान के लिए क्या है, जिम्मेदार है। कौन सा, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। इसके बाद में देखो, समुद्री जल में औसतन जो प्रति हजार पानी है इसमें 35 भाग क्या होती है, लवणता होती है। इसके बाद में देखो, विभिन्न जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं उनमें तंत्रों में वास्तविक लवणता क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसके बाद में देखो, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसको पानी की गहराई और तट रेखा की विशेषताओं के आधार पर कई क्षेत्रों में क्या किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। जैसे महासागरीय क्षेत्र का, महासागर का विशाल खुला भाग है जहाँ पर वहेल, सार्क, टूना जैसे क्या रहते हैं, जानवर रहते हैं, मछलियाँ रहती है। अब इसके बाद में देखो आगे की ओर, आगे हैं नेचुरल डाइजेस्टर क्या है और यह कृषि जलवायु में परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। क्या है, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो क्या होती है और कृषि में जलवायु परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। ये पहले अपन क्वेश्चन कर चुके हैं वैसे लगभग। देखो, अब नेचुरल जो डाइजेस्टर है वो क्या होती है, ऐसी कोई प्राकृतिक घटना जिसके कारण मनुष्य के जीवन या सामग्री को क्या होती है, हानि पहुंचती है, तो इसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे जंगलों में आग लगना, बाढ़ आना, हिमस्खलन और भूस्खलन, और इसके बाद में भूकंप आना, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवाती तूफान, बादल फटने जैसी कोई प्राकृतिक आपदाएं होती है वो बार बार क्या करती है, मनुष्य को क्या करती है, चेतावनी देती है। और वो बोलती है कि तू प्राकृतिक संसाधनों का क्या कर रहा है, अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है और उनको बिल्कुल भी तू क्या कर रहा है, प्रकृति का क्या कर रहा है, संतुलन बिगाड़ रहा है। अगर जहां पर प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा आने लगती है वहां पर समझ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है, जो अपने प्राकृतिक जो संसाधन है उनका क्या हो रहा है, उनका अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है। और आसानी से अब दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, एक बार रीडिंग मार लेना, वहां पहले आपको नहीं दिखा होगा। अब इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। देखो, कृषि जलवायु पर इसका किस प्रकार से प्रभाव होता है, कृषि की जो जलवायु है इस पर किस प्रकार से प्रभाव होता है। कुछ जलवायु में मॉडल क्या किए जा चुके हैं, विकसित किए जा चुके हैं। और सबसे पहले साथियों, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, मेरे हिसाब से आपको आसानी से समझ में आएगा। देखो, कृषि जलवायु पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लो हिमपात हो रहा है, कोई भी क्या है, कोई भी बर्फ का क्या है, बर्फ है, अब वो क्या हो रही है, पिघल रही है। तो वो पिघल कर भूमि पर आएगी, भूमि पर आने के बाद में जो भी अपनी खेत है, खेत में जो भी फसल लगी हुई है वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अब जैसे मान लो भूकंप आता है, कहीं भी किसी भी एरिया में भूकंप आता है, तो उसके कई इलाके की क्या हो जाती है, जो अपनी जो खेती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब इसके अलावा मान लो जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वनों की कटाई
जलवायु से, सही। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो उससे टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, बाढ़ आ रही है, तो इससे क्या हो रही है, जो अपनी फसलें हैं वो तो क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। तो पॉइंट बना बना कर लिखना, ग्लोबल वार्मिंग का, बाढ़ का, हिमपात का, सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, कृषि को प्रभावित करते हैं, और ये जलवायु परिवर्तन से ही मुख्यतः होता है। और आप इसको आराम से देख लेना सारे को, जो भी है जो कृषि पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है मैंने समझा दिया है, मेरे हिसाब से इससे आसानी से नहीं समझ पाओगे। अब इसके बाद में देखो आगे की ओर, जैव विविधता को प्रभावित की, सॉरी, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए और जैव विविधता का वर्गीकरण खतरे और इसके संरक्षण के लिए किए जाने वाले कार्यों का वर्गीकरण, सॉरी, वर्णन कीजिए। जैव विविधता को परिभाषित कर दिया कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, और जैव विविधता का वर्गीकरण भी बता दिया, अब इसके खतरे और संरक्षण भी बता दिया कि जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। ये मतलब क्वेश्चन पहले अपन चर्चा कर चुके हैं कि जैव विविधता जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता और ये कैसी कैसी होती है, अभी बात की थी ना, जेनेटिक वगैरह, स्पीशीज वगैरह, वो तीन प्रकार की जैव विविधता, इसका संरक्षण किसका, कौन कौन संरक्षण कर सकता है, वन्य संरक्षण अधिनियम वगैरह सारी अपन ने चर्चा कर ली है इसकी। अब देखो इसमें जैव विविधता संरक्षण को आप वापस से देख सकते हो, पहली कौन सी होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, दिख रहा है आपको आसानी से, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको, देखो पहली कौन सी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, और इसके बाद में स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था। अब इसके बाद में है जो अपना जो भारत का जो जैव भौगोलिक है वो वर्गीकरण किया हुआ है, तो इसको आप आसानी से देख सकते हो। इसके बाद में देखो इसका कंजर्वेशन मैंने बताया था ना, एक तो होता है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू, मतलब इन सीटू का मतलब होता है जहाँ पर वो स्पीसीज है, जहाँ पर वो रहती है उसी स्थान पर करना, एक्सीटू का मतलब होता है कि उसको बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, कृत्रिम वातावरण प्रदान करते हैं, और एक स्थान से जहां पर वो रहती है ना वहां से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, उसको बोलते हैं एक्सीटू। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। इसके अलावा लास्ट में मैंने ये भी बताया था, देखो लास्ट में मैंने राष्ट्रीय उद्यान भी बताए थे कि कहां कहां पर है, कौन कौन से जो बाघ के। अब इसके बाद में आता है वाटर पोल्यूशन, क्या आता है, वाटर पोल्यूशन को देखते हैं। वाटर पोल्यूशन से अपने क्वेश्चन पूछा गया है, देखो वाटर पोल्यूशन क्या होता है, जो भी अपना जल है, जो भी अपना क्या है, जल है, उसमें ऐसे तत्व मौजूद हो जाते हैं जिसके कारण वो जो पोषक तत्व है, जो न्यूट्रिएंट्स है, मतलब ऐसे हानिकारक तत्व उसमें मिल जाते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि अपना जो जल होता है उसको प्रभावित करते हैं, और वो क्या होता है फिर पशुओं के लिए और मनुष्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। अब जल प्रदूषण के स्रोत क्या होते हैं और प्रकार क्या होते हैं, इनके बारे में देखो, जल जो जल प्रदूषण होता है इसके क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। सबसे पहला हो सकता है कि जो जल है, अब इसका कोई घरेलू कचरा है, क्या है, कोई मल है या कोई घरेलू कचरा है, वो क्या करता है जल को क्या करता है, प्रदूषित करता है। इसके बाद में दूसरा आता है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट है, कोई भी मान लो जल जो इंडस्ट्रियाँ वहाँ कहाँ पर होती हैं, जल होता है उसके चारों तरफ होती है, सही, जल के पास में ही होती है इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री का जो भी कचरा आता है वो सारा किसमें प्रस्तावित कर दिया जाता है, जल में प्रस्तावित कर दिया जाता है, तो ये क्या हो जाता है, इंडस्ट्री के कारण प्रभावित होता है। और इसके अलावा जो घरेलू कचरा वगैरह होता है वो क्या होता है, नलियों द्वारा जाके कहाँ पर जाता है, गाँव की नदी होती है, गाँव के पास में जो भी नदी वगैरह होती है उसमें। फिर इसके बाद में पेस्टिसाइड, जैसे मान लो ये खेत है, अब ये खेत है, अब यहाँ पर अपन ने क्या दिया, पेस्टिसाइड दिए, अब वर्षा होती है, इसमें वर्षा होती है, वर्षा से ये पानी कहाँ पर जाएगा, नदी में जाएगा, नदी में जाने के बाद में ये पेस्टिसाइड घुल के सारे कहाँ पर जाएंगे, इस वाटर में जाएंगे और इसको क्या करेंगे, इसको प्रदूषित करेंगे। पहला घरेलू कचरा हो गया, दूसरा इंडस्ट्री वाला हो गया, और तीसरा क्या हो जाता है, पेस्टिसाइड वाला हो जाता है।
फिर आता है एक तो कीटनाशक हो जाएंगे, कीटनाशक इसके बाद में रासायनिक उर्वरक, जैसे मान लो कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज में ले रहे हैं वो भी खेत में यूज में लेंगे और वो क्या हो जाएंगे, घुल के और कहाँ पर चले जाएंगे, नदी में चले जाएंगे। फिर तापीय प्रदूषण, ये किससे होता है, गर्म जो भी उद्योगों द्वारा जो गर्म जल होता है ये समुद्रों में छोड़ देते हैं, उद्योगों का जो गर्म जल निकलता है जो लावा रूप में निकलता है वो कहाँ पर छोड़ देते हैं, वो समुद्र में छोड़ देते हैं। समुद्र में छोड़ने के बाद में जो गर्म जल होता है वो क्या करता है, जो भी वनस्पतियाँ वगैरह और जो भी जीव जंतु मछलियाँ वगैरह होते हैं जल में समुद्र में उनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। फिर तेलीय प्रदूषक, मतलब जो महासागर होते हैं वहाँ पर बड़े बड़े जो टैंकर होते हैं वहाँ से क्या होता है, खनिज के तेलों का क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है, तो वहाँ पर वो तेल की जो मोटी परत फैलती है उसके कारण क्या होता है, जल प्रदूषित होता है। अब जल प्रदूषित के क्या किए गए हैं, इसके प्रभाव दिए गए हैं साथियों, इसमें आपको मेनली पढ़ने की ज़रूरत है, वो और कोई खास इतनी समझाने की कोई चीज़ नहीं है। फिर जल प्रदूषण के क्या दिए गए हैं, नियंत्रण दिए गए हैं, तो PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी ऐप पर, वहाँ से आप रीडिंग लगा लेना। अब इसके बाद में है वो उसी का है ये टॉपिक, अब इसके बाद में है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या है, और शहरी और जो औद्योगिक जो कचरा है इसके कारण प्रभाव और इसके नियंत्रण के उपायों को समझाइए। देखो सबसे पहले है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या होता है, देखो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शब्द मुख्य रूप से जो ठोस कचरा होता है, ठोस कचरा होता है इसके संग्रहण से और उपचार से और निपटान से इस पूरी प्रक्रिया को क्या करता है, संदर्भित करता है। मतलब ठोस कचरे का क्या करना, संग्रह करना, उपचार करना और इसको निपटान करना, ये क्या है, पूरी प्रक्रिया को क्या करता है, संदर्भित करता है। अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया, कचरे को विभिन्न स्रोतों को एकत्रित किया जाता है, कचरे के विभिन्न स्रोतों को क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, उनका निपटान किया जाता है और इस प्रक्रिया को कचरे का संग्रहण, परिवहन और उपचार और विश्लेषण और निपटान क्या होता है, इसमें शामिल होता है। अब इसके बाद में देखो आगे की ओर, जो औद्योगिक अपशिष्ट क्या है, देखो उद्योगों के द्वारा, उद्योगों या औद्योगिक जो भी प्रक्रियाएं होती है उनके द्वारा जो भी अपशिष्ट या जो भी बेकार का पदार्थ निकलता है उसके कारण जो भी क्या होता है, जो भी अपशिष्ट निकलता है उसको क्या कहते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट कहते हैं। जैसे कोई भी रसायन हो गया, कचरा हो गया, तेल हो गया, विलायक हो गया, गंदगी हो गई, बजरी हो गई, ये क्या होते हैं सारे हानि, इसके अलावा कोई मान लो हानिकारक गैसें हैं तो ये सारे क्या है, औद्योगिक जो अपशिष्ट है, और इनको क्या करते हैं बिना उपचार के समुद्र, नदियों और भूमि में क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, और इसके कारण क्या होता है, औद्योगिक अपशिष्ट से पर्यावरण प्रदूषण होता है। अब देखो कि औद्योगिक जो अपशिष्ट होता है इसके प्रकार कौन कौन से हैं, सबसे पहले है बायोडिग्रेबल और एक होता है नॉन बायोडिग्रेबल या गैर बायोडिग्रेबल औद्योगिक अपशिष्ट। पहला होता है बायोडिग्रेबल औद्योगिक अपशिष्ट, देखो वे अपशिष्ट पदार्थ जिन्हें सूक्ष्म जीवों की क्रिया से क्या कर सके, उन्हें मान लो विघटित कर दे, अगर ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जिन्हें सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटित करवाया जा सके तो उन्हें क्या कहते हैं, बायोडिग्रेबल अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। जैसे कागज उद्योग हो गया, खाद्य उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, ऊन उद्योग हो गया, इनको तो अपन क्या कर सकते हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, कवकों के द्वारा क्या करवा सकते हैं, अपशिष्ट करवा सकते हैं, और इनका प्रबंधन भी क्या हो जाता है, मैनेजमेंट भी आसानी से हो जाता है। एक होता है गैर बायोडिग्रेबल अपशिष्ट पदार्थ, ये क्या होते हैं साथियों, ये अपघटित नहीं होते, ये क्या नहीं होते, अपघटित नहीं होते, और सूक्ष्म जीव इन्हें क्या नहीं कर सकते, इन्हें अपघटित नहीं कर सकते, तो ये क्या होते हैं, गैर बायोडिग्रेबल अपशिष्ट होते हैं। इसके बाद में देखो आगे की ओर चलते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट का प्रबंधन क्या है, औद्योगिक अपशिष्ट का प्रबंधन देखो इसमें इसका जो प्रबंधन होता है वो करने के लिए सबसे पहले विश्लेषण और पृथक्करण करते हैं। मतलब जो औद्योगिक जो कचरा होता है इसको पहले क्या करते हैं, अलग करते हैं और उसका क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, और कुछ जो बायोडिग्रेडेबल जो होता है कचरा उसको तो क्या करते हैं, जो पुनर्चक्रण जो सामग्री होती है उसको तो अलग रख लेते हैं, और जो उद्योगों में जो
अपशिष्ट पदार्थ होता है जैसे बायोडिग्रेडेबल और गैर बायोडिग्रेडेबल, इनको क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं पहले प्रोसेस में। फिर क्या करते हैं, संग्रह है और परिवहन, मतलब औद्योगिक कचरे को एकत्रित कर लेते हैं और इसके बाद में कचरा प्रबंधन संयंत्रों तक क्या करवाते हैं, पहुँचाते हैं, मतलब जहाँ पर इनका मैनेजमेंट किया जाता है, मतलब इनको प्रबंधित किया जाता है, जहाँ पर इनको नष्ट किया जाता है वहाँ संयंत्रों तक क्या किया जाता है, संग्रह करके पहुँचाया जाता है। इसके बाद में है रिकवरी, मतलब अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों में क्या करते हैं, रिकवरी किया जाना चाहिए। इसका मतलब है अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों में उपचार के दौरान औद्योगिक कचरे से उपयोगी सामग्री क्या कर लेनी चाहिए, बरामद कर लेनी चाहिए। ये तीसरी स्टेप कंप्लीट होती है। इसके बाद में आता है पुनर्चक्रण और निपटान। क्या आता है, पुनर्चक्रण और निपटान, पुनर्प्राप्ति के दौरान हमें कोई उपयोगी सामग्री मिलती है, अगर पुनर् जो चक्रण होता है इसके दौरान कोई उपयोगी सामग्री मिलती है तो उसका क्या करना चाहिए, पुनर्चक्रण करना चाहिए और अपशिष्ट और जो हानिकारक जो सामग्रियाँ होती है उनका क्या करना चाहिए, निपटान करना चाहिए। आई होप आपको भी ये समझ में आया होगा औद्योगिक अपशिष्ट क्या है, कितने प्रकार का होता है और कैसे इसका निपटान करते हैं, सारी स्टेप्स मैंने बता दी है। इसके बाद में साथियों अपना यहीं पर द एंड होता है, और चैनल पर नए हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्टैटिस्टिक्स के बारे में, इन सभी के बारे में साथियों को शेयर करना है, नॉलेज को शेयर करना है। और साथियों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। धन्यवाद साथियों।